जी अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाला वेबिनार को सुनने के लिए। आज का जो हमारा वेबिनार है, इसके ऊपर हमारे कुछ अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और कुछ कमिंग अपडेट्स हैं जिनके हवाले से आपको बताना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वेबिनार को मैक्सिमम ध्यान से सुने, और फिर अगर आपकी टीमों में से जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए इसको, तो इस वेबिनार को आप अपनी टीमों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये मैसेज जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले आगाज में हम ओवरव्यू लेते हैं अगेन आउटर मार्केट का। मेरे पास यहाँ पे coinmarketcap.com वेबसाइट खुली हुई है। इसमें अगर हम आज के हवाले से अपडेट्स इसमें लेना चाहें, तो आज के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि 121 बिलियन डॉलर टोटल ट्रेड वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे का, और 249 बिलियन डॉलर टोटल मार्केट कैप है, और इसमें 21,139 एक्सचेंजेस हैं या पेयर्स हैं जिनके अंदर ये सारा ट्रेड वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। और देन क्रिप्टो करेंसी जो है टोटल, जिसमें टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, तो ये टोटल 3,047 है। तो ये टोटल मार्केट कैप है और टोटल इसका ओवरव्यू है। और गुड न्यूज़ ये है, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम क्योंकि बक्स कॉइन्स के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, और इसको हम मैक्सिमम मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे थे, हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे थे, हम इसकी यूजेबिलिटी और यूटिलिटीज के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये जो बक्स कॉइन है, ये अभी तक जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये बिट्सो लाइव कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाया गया थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, और बिट्सो लाइव के 1,32,000 मेंबर्स जो हैं वो इस बक्स कॉइन का हिस्सा हैं। और हो सकता है कि आप लोगों के थ्रू तकरीबन 1 मिलियन लोगों तक ये आवाज पहुंची हो कि बक्स कॉइन के नाम का कोई क्रिप्टो कॉइन है, और इसकी ये वाली फीचर्स हैं, और इसका क्या फायदा है। लेकिन अब ये जो बक्स कॉइन है, ये ऑफिशियली कॉइन मार्केट कैप में इंट्रोड्यूस होने के लिए जा रहा है नेक्स्ट मंथ से। 2 दिसंबर का डेडलाइन कंपनी टारगेट लेके चल रही है। तो 2 दिसंबर को कंपनी जो है इसको, बक्स कॉइन को इस मार्केट कैप में लिस्ट कर रही है। तो इस मार्केट कैप में इस वक्त तकरीबन 3,000 प्रोडक्ट्स हैं, और 3,000 प्रोडक्ट्स में से बक्स कॉइन दुनिया का पहला कॉइन होगा जो एफएक्स को एक्सक्लूसिवली टारगेट करके लेकर के आ रहा है। क्योंकि जो बक्स कॉइन ने यूटिलिटीज तैयार कर ली हैं, जिसमें काफ़ी सारी यूटिलिटीज के बारे में आपको आइडिया है, लेकिन आज हम आपको स्पेशली ये बताएंगे कि जो मोयो ट्रेड है, बेसिकली मोयो ट्रेड को क्या कॉन्सेप्ट है, और मोयो ट्रेड के हवाले से बक्स कॉइन में क्या होने के लिए जा रहा है, तो ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और इसको बताने के लिए मैंने स्पेशली टाइम लिया है जनाब मोहसिन जमील साहब का, ताकि वो खुद इसको एक्सप्लेन करें आप लोगों के सामने। मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, अगर मैं इनको देख सकूं तो। ओके, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड करेंगे आप या नहीं करेंगे। तो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है वेबिनार, क्योंकि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके देखेंगे तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसको ऑलरेडी लाइव कर दिया हुआ है वेबिनार को। तो ये लाइव वेबिनार जो है वो आप फेसबुक से भी सुन सकते हैं, और डेफिनेटली जब ये वेबिनार ख़त्म हो जाएगा तो ये यहाँ पे पड़ा रहेगा, और कोई भी जो मेरा फेसबुक पे फॉलोअर है या फ्रेंड है, या आप इसका लिंक लोगों को दे सकते हैं, तो यहाँ से आप इजीली इस वेबिनार को ट्रैक कर सकते हैं बाद में भी। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि कॉइन मार्केट कैप में बक्स कॉइन जा रहा है, और बक्स कॉइन के ऊपर अभी तक जो काम किया है वो 1,32,000 लोगों तक ये बक्स कॉइन पहुंचा है, जो कि बिट्सो लाइव के कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। अब ये मोयो क्या चीज है, इसके हवाले से हमने स्पेशली टाइम लिया है जनाब मोहसिन जमील साहब से, कि वो खुद एक्सप्लेन करें कि ये मोयो का कॉन्सेप्ट है क्या। काफी मरतबा इसको थोड़ा थोड़ा पार्शली
आप लोगों को बताया गया, लेकिन इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स भी कंपनी ने की हैं। और जब कंपनी बक्स क्वाइन को मार्केट कैप में लॉन्च कर रही है 2 दिसंबर को, तो उसी टाइम पे कंपनी मोयो के अंदर भी बहुत सारी नई चीजें ऐड कर रही है। तो मोयो बक्स क्वाइन की वैल्यू को आगे लेकर के जाने के लिए और प्लस बाइंग साइड क्रिएट करने के लिए क्या रोल अदा करेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इटसेल्फ मोयो एक ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको करके लोग जो है इसमें पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मतलब अगर इसको मैं बिट्सो लाइफ के साथ कंपेयर करूं मोयो को, तो बिट्सो लाइफ का जितना भी टोटल नेटवर्क है या बिजनेस है, वो सारे का सारा नेटवर्कर्स के बेस पे चलता है। और इसमें जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो नेटवर्कर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स को लेकर के आते हैं, जो टीमों को बनाते हैं। लेकिन जो मोयो का बिजनेस मॉडल है, ये बिल्कुल टोटली बिजनेस मॉडल डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि मोयो के अंदर जितनी भी इसमें पजीराई मिलनी है मोयो को, तो इसमें ट्रेडर्स का ज्यादा रोल रहेगा। जैसे बिट्सो लाइफ के अंदर नेटवर्कर्स का रोल रहता है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेडर्स का, एक्सपर्ट एनालिस्ट का ज्यादा रोल रहेगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि बिट्सो लाइफ का 1,32,000 लोगों का कम्युनिटी जो है, वो 100-150 नेटवर्कर्स ने उठा के 1,32,000 लोगों पे ले गए और बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे कि 50 से लेके 100 ट्रेडर्स जो है, वो मोयो ट्रेड का वॉल्यूम कहाँ से लेकर कहाँ ले जाते हैं, तो ये हम आने वाले 1 साल में देखेंगे। और ये जितनी बाइंग साइड क्रिएट होगी, जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि ट्रेडर्स की वजह से होगी, और हमारे पास मार्केटिंग की तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद है ऑलरेडी बिट्सो लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली उनका भी शेयर कंपनी ने इसमें रखा है और ट्रेडर्स का भी बेनिफिट कंपनी ने इसमें रखा है। तो डेफिनेटली मोयो ट्रेड को सक्सेसफुल होने के लिए 2 तरह के इंजन लगा दिए गए हैं। एक तो ट्रेडर्स का इंजन जो इसको मतलब ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल करेगा, और उससे पहले जो है वो नेटवर्कर्स का इंजन, जो ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 1,32,000 लोगों की कम्युनिटीज है, तो वो लोग भी इसके अंदर पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, तो मोयो ट्रेड का जो बिजनेस है उसको सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमने मोहसिन जमील साहब को इनवाइट किया है। मैं 1 मिनट मुझे आप देंगे तो मैं चेक करूं कि वो क्या हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी सर, आज का जो हमने वेबिनार सर रखा, इसमें एक्सक्लूसिवली जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो एक तो बक्स क्वाइन के फ्यूचर को लेकर के डिस्कस करना चाह रहे हैं, और दूसरा मोयो के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज हैं मार्केट में कि इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट लर्निंग करना चाहते हैं, इसके प्रोसेस को लोग समझना चाहते हैं, ओवरऑल ओवरव्यू लोगों के पास है। राइट, ओके, जी सर, गुड, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई इस वेबिनार में इनवाइट करने के लिए। ऑलरेडी पता है आपको कि हम लोग काफ़ी टफ चल रही सिचुएशन, हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं डेडलाइंस के ऊपर, और जो आज बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैं थोड़ा कवर करना चाहता हूँ उसके बारे में पहले बात करूँगा। सबसे पहले सबको भाई सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे बक्स क्वाइन कम्युनिटी के लोग। देखिए, बुल इंफोटेक जो कंपनी मैं लंदन में चला रहा हूँ, इसके ऊपर मैं बैटरी सारा टेक्नोलॉजी का काम करता हूँ, और ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको देखना, क्योंकि हम लोग 2 साल से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों के सवाल आते रहते हैं, बक्स क्वाइन कब आउटर वॉलेट आउटर एक्सचेंज में जाएगा, बक्स क्वाइन कब जो है ट्रेड होगा। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हो या एफएक्स हो या कोई भी प्रोडक्ट जो ट्रेड करने वाला, जब तक वो आउटर वर्ल्ड में ना जाए तब तक उसका कोई कोई जो ना फायदा नहीं होता। लेकिन ये होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, और उस टाइम और वक्त के हिसाब से चीज़ें जो है ना मार्केट में जानी चाहिए, तभी चीज़ें जो है ना वो सही तरीके से मार्केट में चलती हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का जो हिस्ट्री है वो हम सबको पता है, यू नो, आज की डेट में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, बहुत सारी मार्केट में चल रही है, बहुत सारी मार्केट में फेल हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल मार्केट, तो ओवरऑल मार्केट भी जो ना वो
मैसिवली बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना थोड़ी जो है ना चेंज हो रही है। बिटकॉइन ने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो, जिसकी वजह से जो है उसने जो ना मार्केट जो ना क्रिप्टो करेंसी ने बहुत बड़ी पकड़ ली है। अब हम लोग भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और एक फंडामेंटल है जो लोगों को क्लियर नहीं है डे वन से, जिसको क्योंकि शायद हमारे लोगों ने उसको क्लियर किया नहीं किसी को, इन्वेस्टर्स को खासतौर से, वो ये कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट गेटवे है कंपेयर टू फिएट करेंसी। आप उसको सही तरीके से चलाने के लिए आपको वो टूल्स एंड एमिनेशन बनाने पड़ते हैं जिसके बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो है वो परफॉर्म करती है। यानी कि आपको बायर एंड सेलर की एक बड़ी मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है, और जब तक बायर एंड सेलर दोनों नहीं आते किसी प्रोडक्ट में, दुनिया का कोई प्रोडक्ट, क्रिप्टो करेंसी क्या, कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट अगर हम लें और अगर बायर एंड सेलर उस मार्केट में नहीं है तो वो प्रोडक्ट कभी चलता ही नहीं है। लाइक अगर सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो भी प्रोडक्ट फेल होता है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। लेकिन डिमांड को सप्लाई के अगेंस्ट मैच करने के लिए हम लोगों को वो बाइंग मार्केट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर बक्सकॉइन के पास 500 मिलियन कॉइन्स हैं, ये एक सप्लाई है, वो सप्लाई जब मार्केट में जाएगी तो सप्लाई को कैटर करने के लिए बायर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। जितने लोग ऑलरेडी कम्युनिटी के हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी सप्लायर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी कॉइन है। तो अगर आप वो कॉइन होल्ड करके और कल एक्सचेंज में जाके उसको बेचना शुरू करेंगे और अगर उसके ऑपोजिट साइड पे कोई बायर आएगा ही नहीं, तो इवेंचुअली हम सबको कहानी पता है कि क्या होने वाली है। तो हम लोग जो ना इस चीज़ों को पहले तो समझें कोर, हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी करेंगे किसी चीज़ को भी लेके तो इवेंचुअली वो चीज़ें फेल होंगी। हर चीज़ का एक टाइम और वक्त आता है। जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, यानी कि जो यूटिलिटीज़ हम लोग बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वो बहुत ही हाई एंड यूटिलिटीज़ हैं। आज आप सारे लोग इस चीज़ के विटनेस हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना के लाए, चाहे वो हमारा एक्सचेंज हो, चाहे वो मोयो हो, चाहे MT4 हो, चाहे वो CFX ऑप्शन हो, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, वो बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो वो मार्केट हैं जिसमें बहुत सारा वॉल्यूम है। यानी कि हम लोग वो बाइंग मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, ये सोल्यूशन हम देना चाहते हैं उस मार्केट के लिए जहाँ पर पेमेंट गेटवे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। और हम लोग का जो विजन था डे वन से वो ये था कि हम उस मार्केट गैप को कैसे फिल करें, उस मार्केट गैप को हमारा बक्सकॉइन फिल करेगा, राइट। लेकिन उसके लिए हमें वो मार्केट के लिए टूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना। जब तक हम उन मार्केट्स के लिए वो टूल ही नहीं बनाएंगे, तब तक वो मार्केट में हम बाइंग पावर कैसे क्रिएट कराएंगे, राइट। तो ये जो 2-2.5 साल का जो सफर है, इस 2-2.5 साल के सफर में हम लोगों ने जो हम लोग का मिशन था, वो आज मिशन हमारा ऑलमोस्ट एट द एंड वर्ज ऑफ खड़ा हुआ एंड पे, और वो ये था कि हम डे वन से हम लोग ये एक फिलॉसफी पे काम कर रहे थे कि हम लोग वन सिंगल वॉलेट मल्टीपल यूटिलिटीज क्रिएट करेंगे, तभी तो डिमांड क्रिएट होगी। यानी कि एक वॉलेट हो और उस एक वॉलेट से बंदा किसी भी यूटिलिटीज में जाके उसको कर सकता है। एक वॉलेट से हम एक्सचेंज पे क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, एक ही वॉलेट से हम MT4 पे जाके FX पे ट्रेड कर सकते हैं, एक ही वॉलेट से हम बाइनरी ऑप्शंस पे भी कर सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, राइट, एक ही प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट पैकेजेस में भी जा सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम यूटिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काम किया। आज मार्केट में मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, या जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो सिंगल वॉलेट मल्टीपल यूटिलिटीज पे काम कर रही हो। जितनी भी कॉइन आज की डेट में मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं वो सिंगल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, राइट। और अगर हम एफिलिएट नेटवर्किंग की बात करें, जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है मार्केटिंग का, मार्केटिंग के भी दो पहलू होते हैं। एक मार्केटिंग का पहलू होता है जहाँ पर आप नॉर्मल मार्केट में जाके जो है ना फंड रेज करते हैं, दूसरा होता है कि आप जो है ना वो एक चैनल के थ्रू जाएं और चैनल के थ्रू आप जो है वो सेल्स जनरेट करें। और ये जो दूसरा चैनल है, ये चैनल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ जो है चीज़ है, मार्केटिंग है, जिसके थ्रू एक बंदा दूसरे को कन्विंस करता है, दूसरा बंदा तीसरे को करता है, करते करते ये मार्केट डेवलप होती चली जाती है, एक कम्युनिटी बन जाती है। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, तो बिटकॉइन जब आया था तो बिटकॉइन भी तो एक कम्युनिटी के लिए आया था। बिटकॉइन का जो पर्पस था लॉन्च करने का था, वो एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो बना था, क्योंकि सतोशी नाकामोटो ने जब ये
कॉन्सेप्ट को रखा तो उसने इस कॉन्सेप्ट को देख के रखा कि जितने भी बिजनेसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो बिजनेसेस बहुत सफर करते हैं कहीं ना कहीं फिएट करेंसी के बेसिस के ऊपर या यू नो गवर्नमेंट कंट्रोल चीज़ों के ऊपर। और उसका ये फिलॉसफी थी कि अगर ये बिजनेसेस हमारे हैं तो हम एक ऐसा पेमेंट चैनल बनाएं जिसको हम यानी कि पब्लिक उसको चलाए, ठीक है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी लेके आए और उसी के बेस पे आज देखिए बिटकॉइन कहाँ से कहाँ चला गया। एक एसेट जिसकी 10 सेंट वैल्यू थी वो 10,000 से 15,000 के बीच में भी टच करके वापस आ गया, राइट। और धीरे धीरे क्या होगा कि देखिए मार्केट जो है ना वो इवैल्यूएट हो रही है, बहुत तेज से इवॉल्व हो रही है, सॉरी वो, और वो बढ़ती जा रही है। आज आपके सामने जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसमें आप देखिए 251 बिलियन की मार्केट हो गई, इसमें से 177 मिलियन तो सिर्फ बिटकॉइन का मार्केट का है, 74 ओल्ड कॉइन का है। तो अभी ऑल्ट कॉइन ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू नहीं किया क्योंकि अभी भी मार्केट बहुत ही जो है स्लो पेस पे खड़ी हुई है, यानी कि उसके ऊपर जो है बहुत काम हो रहा है, रेगुलेशन आ रहा है, कंट्रीज धीरे धीरे करके क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूँ, जापान की बात करूँ, यू नो सिंगापुर की बात करूँ और जो कंट्रीज हैं जो कि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने उसको एक्सेप्टेंस ले ली, उनका क्यों नहीं, क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव सोर्स है पब्लिक के लिए, ठीक है। अगर लेकिन अगर हम गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे तो आज की डेट में हम इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, पूरे कंट्री को जो है डिजिटलाइज कर देंगे और इवेंचुअली होगा भी यही कि सारी कंट्रीज धीरे धीरे करके डिजिटलाइज। एक्सक्यूज मी सर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपकी ना वॉइस बहुत स्लो है, तो अगर कोई आप हैंड फ्री या माइक करीब कर लीजिए। मैं एक्चुअली मैं हेडफोन नहीं लगाया हुआ हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी वॉइस कहाँ पर स्लो है। ओके मैं फिर भी एक सेकंड कोशिश करता हूँ कि अगर मैं जो हूँ वो ये इलियास की आवाज ज्यादा आ रही पीछे से। वो तो हमारे कलीग काम कर रहे हैं, एक सेकंड मैं से बोलता हूँ। अब एक थोड़ा सा स्लो हो जाइएगा, राइट। तो अब मेरी अगर आवाज आ रही है तो बताइएगा। यस फाइन, ठीक है। तो अब आज आप देखिए कम्युनिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, राइट। और हर क्रिप्टो करेंसी की एक कम्युनिटी है भाई, उस चीज को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि हर क्रिप्टो करेंसी की एक कम्युनिटी है। अगर हम उस कम्युनिटी को डेवलप नहीं करेंगे, ये आज जो प्रोडक्ट है वो ये हमारी कम्युनिटी के लिए, इस कम्युनिटी के अंदर हम एक और कम्युनिटी डिफरेंट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एफएक्स कम्युनिटी ला रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट कम्युनिटी लेके आ रहे हैं, एक हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी लेके आ रहे हैं, राइट। एक हम लोग जो है ना बाइनरी ट्रेडिंग की कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं इसके अंदर। तो हम लोग 6 डिफरेंट कम्युनिटीज को इसके अंदर जोड़ के लेके आ रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी जितनी ग्रो हो, हमारे कॉइन जितना मार्केट में जाए उतने हमारे कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए इवेंचुअली क्या है, एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कॉइन की प्राइस सबके लिए मैटर करता है। आज जितने लोग कॉइन होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने 2 सेंट में लिया, 5 सेंट में लिया, 10 सेंट में लिया, 50 में लिया, वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जब कॉइन की वैल्यू बहुत ऊपर जाएगी तो वो उस कॉइन से काफ़ी पैसे बनाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो लॉजिक है, बॉटम लाइन तो यही है ना। लेकिन उस टारगेट को अचीव कैसे करा जाएगा, बैठ के तो नहीं हो सकता वो अचीव करके, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू नहीं हो सकता वो अचीव। उसके लिए हम लोगों को ये सारे टूल्स एंड एमिनेशन बनाने पड़ेंगे और राइट टाइम जब आ जाए कि जब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हो जाए, वो आउटर मार्केट हमारे लिए ऊपर आना शुरू हो जाए, यूज़ करना शुरू कर दे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली शेप अप होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि यार हाँ, आज मैं अगर अपना कॉइन बेचने जा रहा हूँ एक्सचेंज तो कोई खरीद रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से कितने कॉइन आए मार्केट के ऊपर, बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। इवेंचुअली क्या हुआ कि आज की डेट में ये भी एक सॉर्ट ऑफ जो है ना बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि कॉइन की लिस्टिंग तो हो जाती है, लिस्टिंग के बाद उसका परफॉर्मेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग एटलीस्ट उस चीज़ को सही फिक्स करने के लिए वो टूल्स तो बना रहे हैं ना, जिससे हम लोग उस अपने प्राइस को जो है ना वो बचा सकते हैं या आगे ले जा सकते हैं, राइट। आज जो अच्छे कॉइन हैं, इथेरियम है या जो है ना क्या कहते हैं आपका बिटकॉइन कैश है या लाइट कॉइन है या रिपल है, इन्होंने एक बहुत बड़े सेगमेंट को अपनी ब्लॉकचेन से पकड़ा, अपने प्रोडक्ट से पकड़ा, और वो इतना बड़ा सेगमेंट है कि वो सेगमेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए उनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है वो आपको अच्छा दिखता है। आज इथेरियम ने इतनी बड़ी बढ़िया ब्लॉकचेन बनाई कि जितने भी नए टोकन आ रहे हैं, और टोकन रोज़ बनेंगे, रोज़ आएंगे, रोज़ लोग जो है इथेरियम की जो है ब्लॉकचेन खरीदेंगे, राइट। तो वो एक ऐसी अनलिमिटेड चीज़ है जिसकी वजह से उनको कोई और सेगमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
लेकिन वो उन्होंने उस मार्केट को तब कैप्चर कर लिया जब मार्केट बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे थी और लोग ब्लॉकचेन को जानते भी नहीं थे। आज तो मार्केट काफी मेच्योर हो गई है। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर आज 1 साल पहले भी अगर हम लोग अपने कॉइन को एक्सचेंज पे जाके लिस्टिंग करते, और आप लोगों ने से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोगों ने अपने ही एक्सचेंज में जब कॉइन की लिस्टिंग की तो सिचुएशन कहाँ से कहाँ चली गई। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने कॉइन सेल पे लगा दिया और कोई जो है कंपनी खरीद ले। अगर कंपनी खरीदेगी तो कब तक खरीदेगी कंपनी? कंपनी थोड़ा खरीद पाएगी, ये कोई बिजनेस मॉडल थोड़ी ना है। एक्सचेंज इसीलिए बनाया जाता है कि आउटर वर्ल्ड उस पर आके इन्वेस्टमेंट करे और वही तो प्राइस बढ़ाएगा। कंपनी खरीदेगी तो कंपनी तो प्राइस गिराएगी, क्योंकि कंपनी चाहेगी अगर हमें खरीदना ही है तो फिर हम सस्ते में खरीदें, महंगे में क्यों खरीदें। लेकिन अगर हम लोग आउटर वर्ल्ड को लेके आते हैं तो प्राइस की कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि आउटर वर्ल्ड का काम ये है कि आउटर वर्ल्ड जो है वो जब प्राइस बढ़ रही होती है या कॉइन के अंदर कोई वॉलेटिलिटी होती है, फ्लक्चुएशन होता है, तो आउटर वर्ल्ड जो ट्रेडर्स हैं वो आके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वही प्राइस को पुल करते हैं। तो उनके लिए हम लोग ने ये सारे टूल्स एंड एमिनेशन बनाए। हम लोग का जो बेस मॉडल था वो आप सबको पता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपली टच बेस करूंगा कि हम लोगों ने डे वन से जब अपनी ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया तो इसके पीछे एक ड्राइविंग फैक्टर हम लोगों ने लगाया और वो एफएक्स है। ठीक है, एफएक्स आज आप सभी लोग देख रहे हैं, एफएक्स इसलिए लगाया क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है। हम लोग भी उस मार्केट में घुसना चाह रहे थे जिस मार्केट के अंदर में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, राइट, कॉर्पोरेट्स हैं, सारे लोग एफएक्स में घुसे हैं क्योंकि एफएक्स प्रोडक्ट ही एक ऐसा है, एक ऐसी मार्केट है जो 24/7 काम करती है, जिसमें हर बंदा जाके अपने अपने जो है रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज वॉल्यूम लेके आ रही हैं, तभी तो सब 6.5 ट्रिलियन डे मार्केट बन गई। अब इतनी बड़ी मार्केट के अंदर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमने जो देखी अपने करियर में एफएक्स, खास तौर से जो है जब से हम लोग, मैं जो है ना ट्रेड कर रहा हूँ अराउंड 12-13 साल, तो उसके अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम आता है वो वॉल्यूम ज़्यादातर जो है ना वो उन कंट्रीज से आता है जो डेवलप नहीं है, राइट। और उसकी वजह से वॉल्यूम जो है ना एफएक्स के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा आ रहा है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, श्रीलंका है, ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ सबसे ज़्यादा एफएक्स ट्रेडर बैठे हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क ट्रेडर हैं, उनको वो रिस्क लेते हैं इसलिए वो आते हैं उसके अंदर। और जो ट्रेडर होता है ना वो ये नहीं देखता सर कि ये मार्केट जो है ना वो कितनी वॉलेटाइल है, इसके अंदर हम जो है ना पैसे लूज कर जाएंगे। जो ट्रेडर है वो ट्रेडर है, वो उसी मार्केट से जो मार्केट उठती है और गिरती है मिली सेकेंड के अंदर, उसी से वो पैसा बनाता है, उसी से पैसा लूज करता है, राइट। तो ट्रेडर कम्युनिटी पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी। आज आप देखिए जो कॉन्सेप्ट को हमने 2 साल पहले 2.5 साल पहले जिस कॉन्सेप्ट को हम लेके आए थे, इस पर हम लोग काम कर रहे थे, उस कॉन्सेप्ट को आज सारे एक्सचेंजेस लेके आ गए। आपके सामने ये जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर देखिए जितने एक्सचेंजेस हैं, ये सारे एक्सचेंजेस धीरे धीरे करके एफएक्स में घुसने लगे और इन्होंने कहीं ना कहीं वो मार्केट भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। बिटहम 17%, कॉइन बेस, क्रैकन, बिट स्टैम्प, इस तरीके के बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं और ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं। जब आप उनके एक्सचेंजेस पे जाएंगे तो आपको उसके अंदर एक सेक्शन मिलेगा मार्जिन ट्रेडिंग, राइट। अब ये क्यों आए? क्योंकि इनको ये पता है कि क्रिप्टो की मार्केट तो अभी इतनी मैच्योर नहीं है जितनी मार्केट जो है एफएक्स की मैच्योर है, और एफएक्स का जो ट्रेडर है वो ट्रेडर जो है वो फिजिकल में भी ट्रेड करना चाहता है और लेवरेज में भी ट्रेड करना चाहता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत क्लियर है। टेक्निकल है थोड़ा, बहुत से लोगों को समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी गूगल पे सर्च करेंगे कि लेवरेज टू अनलेवरेज के में लोग क्यों ट्रेड करते हैं, तो आपको तमाम मिलियंस आर्टिकल मिलेंगे और उसका फायदे क्या है वो भी आपको उसके ऊपर मिलेंगे। लेकिन एक उसका जिस्ट बताता हूँ कि क्या है, वो ये है कि फिजिकल में आप पूरे पैसे लगाते हैं एक प्रोडक्ट को लेने के लिए, यानी कि एक बिटकॉइन अगर आपको बेचना है और 9,500 उसकी वैल्यू, तो आप एक बिटकॉइन को 9,500 में बेच कर फिजिकली ले रहे हैं, फिजिकली कैश ले रहे हैं, फिजिकली बिटकॉइन ले रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन ने अभी तकरीबन तकरीबन $2,500 का जंप मारा विदिन 24 आवर, इतना मैसिव जंप मारा उसके अंदर। अब फिजिकल वाले तो क्या हुआ, फिजिकल जिन्होंने लेके रखा था उनकी तो प्राइस जो थी, जो जिनकी जिन्होंने 10,000 पे खरीदा था उनकी प्राइस गिर के 7.5 पे आ गई, तो उन्हें लगा यार मैंने तो 2,500 लूज कर दिए थे। लेकिन जब वो वापस जंप करके गया तो उन्होंने वही पैसे रिकवर किए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कितना रिस्की प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि आपने ये देखा कि बिटकॉइन जब वॉलेटाइल इतना हो रहा है और मेरे फिजिकल कॉइन है जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है,
तो ट्रेडर ने सोचा कि यार हम ऐसा करें ना कि हम अगर हमारे इस फिजिकल एसेट की वैल्यू किसी वजह से भी और गिरना शुरू हो गई या बिटकॉइन और नीचे आना शुरू हो गया और वो जो 10,000 पे खरीदा था अगर वो मान लीजिए 5.5 पे आ जाता तो आपको 50% का लॉस होता फिजिकल। अब वो 50% के लॉस को कवर कैसे कर लें, हम ऐसा कुछ चीज़ें गेम चलाएं कि हमारा हम अपने फिजिकल कॉइन पे भी खेलें लेकिन साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी रहे कि हम अपने उस लॉस को भी कवर कैसे करें। तो उसके लिए एफएक्स में लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया क्योंकि एफएक्स के अंदर में आप कभी भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, यही एफएक्स की सबसे अच्छी बात है। एफएक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस पे कैलकुलेट होता है, ना आप फिजिकल बिटकॉइन लेते हैं ना आप फिजिकल कैश लेते हैं, यानी कि आपने उधर तो एक बिटकॉइन लिया 10,000 का और आपने इधर क्या किया, उसी 10,000 के अंदर में आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट और खोल लिए बाय सेल के एफएक्स के अंदर, ताकि अगर ये प्राइस इधर गिरे किसी वजह से भी तो हमारा एफएक्स में हमारा लॉस कवर हो जाए। क्योंकि अगर हमने बाय और सेल भी खरीदा उधर और हमने इधर सेल किया उधर बाय ले लिया, अगर मार्केट इधर चली गई नीचे गिर गई तो हमने उधर से कवर कर लिया, लेकिन अगर उधर मार्केट नीचे चली गई और इधर मार्केट उठ गई तो वहां पर आप सिर्फ 1% लूज कर रहे हैं, यानी कि 1 लाख पर 1,000, राइट। तो अब आप देखिए डिफरेंस और एडवांटेजेस देखिए आप, ये एक बहुत ही किलर कॉम्बिनेशन है दोनों का। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था, इसी के बेस पे हम लोगों ने अपने कॉइन को बनाया था कि हमारा कॉइन एक पेमेंट गेटवे के तौर पर आएगा और हम उस कम्युनिटी को देंगे, ट्रेडर कम्युनिटी को देंगे, जो ट्रेडर कम्युनिटी ट्रेड करती है, और वो अपने उनके दो पर्पज होंगे। एक पर्पज ये होगा कि जो पेमेंट नहीं भेज पाते लोग वो हमारे कॉइन को यूज करेंगे, तो वो बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे, और जब ट्रेडर आता है तो वो ये ऐसा नहीं करता है कि उसने 1,000 यूरो का पैकेज खरीद लिया या 50,000 का, मैक्सिमम एक बंदे ने पैकेज खरीदा। एक ट्रेडर जब आता है राइट, तो वो ट्रेडर मिलियंस में इन्वेस्टमेंट भी करता है। एक एक जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जब वो आते हैं तो मैंने देखा अपने करियर के अंदर कि लोग 2-2, 3-3, 5-5 मिलियन इक्विटी डाल डाल के जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जहां पर हम लोगों को ये पुश करें ट्रेडर को कि अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम बक्सकॉइन खरीदो, तुम्हें बाहर जाना तो तुम बक्सकॉइन बेचो। अब इधर तो सप्लाई खड़ी है हमारे कम्युनिटी की, लेकिन उधर बायर्स भी तो क्रिएट कर रहे हैं हम, तो वो बायर्स कहाँ से आएंगे? वो बायर्स इन्हीं कम्युनिटीज के अंदर से आएंगे। जब हम उनको वो टूल्स देंगे, वो एम्यूनेशन देंगे, तब जाके वो ट्रेड ट्रेड करना शुरू करेंगे। और अगर हम ये नहीं करते और अगर हम खाली अपने प्रोडक्ट को बिना टूल्स बनाए लिस्ट करते तो क्या होता? हर बंदे के पास कॉइन बना हुआ, आज हम आउटर एक्सचेंज में 1 साल पहले लिस्ट कर देते बिना यूटिलिटीज के थ्रू, तो क्या होता? भाई हर बंदा जाता कहता मुझे तो कॉइन बेचने हैं, एक्स वाई जेड बाइनेंस के ऊपर बेचने हैं, यू नो कॉइन बेस पे जाके मैं जहां जहां बक्स कॉइन लिस्टेड है वहां जाके मैं बेचने। लेकिन ट्रेडर कम्युनिटी जब आएगा नहीं, जब डे वन से ट्रेडर कम्युनिटी ये देखेगा कि यार ये तो प्राइस धनाधन गिरती चली जा रही है क्योंकि हर बंदा आके डम कर रहा है कॉइन को, तो कोई भी ट्रेडर नहीं जम करेगा उसके लिए, तो क्या होगा? वैल्यू गिर जाएगी, परसेप्शन गिर जाएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा मार्केट से, और फिर मार्केट जो है वो वहीं के वहीं आकर रुक जाएगी, यानी कि उसमें अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा किसी भी आउटसाइड ट्रेडर। इस चीज को बचाना था। आज की डेट में इसको लोगों ने एज अ टूल बना लिया है कि एफिलिएट नेटवर्किंग के अंदर बहुत से लोग कॉइन लेके आते हैं, वो अपना जो है ना बेचते हैं बेचते हैं बेचते हैं, उन्होंने 50-300 मिलियन कॉइन है बेच दिए, 300 मिलियन कॉइन, उसके बाद कॉइन जाके लिस्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? आप गए, आपने ट्रेड किया, कॉइन में कोई परफॉर्मेंस है नहीं, प्राइस गिरती चली गई, एक नहीं हजारों कॉइन आपको हम कॉइन मार्केट कैप पे दिखा दे जिनकी सिचुएशन ऐसे ही है, तो मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखिएगा खुद कि कॉइन की क्या सिचुएशंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ या मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये हमारे साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर तरीके से चलन लगाएं, अगर हम अपने टूल्स अच्छे बनाएं, हम अगर उन कम्युनिटी को अंदर लेके आने के लिए उनको वो चीज़ें मुहैया कराएं, उनके लिए वो रोड बनाएं राइट, तो हमारे पास एक चांस है अच्छा कि हम उस चांस को लेके अपने कॉइन का को अच्छे परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर राइट। अदरवाइज तो कोई फिर तो सारा तो रिजल्ट सभी को बताएगा,
बहुत से कॉइन ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं करते हैं, राइट, इसलिए क्योंकि अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, हमेशा प्राइस गिरेगा। अब जो मेन पार्ट है जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वो ये है कि डिमांड क्रिएट ज्यादा करनी है। सप्लाई तो हमारे पास भी है, हमारे कम्युनिटी के पास भी है। हमें अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करना है, हमें अपनी कम्युनिटी के लिए एक डिमांड फैक्टर क्रिएट करना है, और आज उसी के लिए हम लोगों ने ये सारी यूटिलिटीज क्रिएट की कि लोग जब आएंगे इसके अंदर में, तो अगर मान लीजिए कि हमने अपने कॉइन को एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर डाला, आज एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, नेटफ्लिक्स है आपका, अमेजोन है, HBO है, पता हूँ अगर मैं गाने की बात करूँ तो गाने पे स्पॉटिफाई है, गाने हैं इंडिया के अंदर, songs.pk है पाकिस्तान के अंदर, तमाम और भी हैं, यू नो चैनल्स हैं जहाँ पर लोग गाने खरीदते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सुनते हैं, जो म्यूजिक लवर हैं, बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन आज की डेट में क्या कोई आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो प्लेटफॉर्म इस इंडस्ट्री के अंदर क्रिप्टो एक्सेप्ट करता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्रिप्टो की अपनी एक इंडस्ट्री है, एक एक जो है वो 250 बिलियन की एक इंडस्ट्री है, मार्केट खड़ी हुई है, उसके अंदर में 500 मिलियन हमारे कॉइन भी घुसेंगे। तो अगर हम अपना एक चैनल ऐसा बनाएं एंटरटेनमेंट का जिसके अंदर में उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हम टैप करें अपने कॉइन के थ्रू, तो क्यों नहीं लोग आएंगे और खरीदेंगे? आज हमारी कम्युनिटी के लोग भी जो हैं उनको भी, अगर उनके पास भी कॉइन है और वो कॉइन नहीं बेचना चाहते हैं या वो अपने कॉइन को यूज करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के अंदर में, जैसे कि लोग जाते हैं नेटफ्लिक्स में जिनको जिनको मूवी देखनी है या ड्रामा देखना है या जो है वो, अगर हमारी कम्युनिटी ना भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट की अपनी तो कम्युनिटी है इतनी बड़ी, उस एंटरटेनमेंट कम्युनिटी को अगर आप खुद देखेंगे, अगर हम उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना शुरू कर दें, क्रिप्टो तो हर बंदा अपने पास रखे, किसके पास नहीं है, किसको नॉलेज नहीं है आज की डेट में? आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, पर ये कि वो जब प्लेटफॉर्म पे जाता है एंटरटेनमेंट के, वहां जाके देखता है तो उसको नजर ही नहीं आता, तो एक बाइंग पैटर्न आ रहा है उधर से। इसी तरीके से FX, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका, अगर हम ट्रेडर कम्युनिटी को ये एक सोल्यूशन दें, क्योंकि जो रेमिटेंस चार्जेस हैं वो इतने ज्यादा होते हैं एक FX ट्रेडर के लिए भेजने के लिए, कि वो सिर्फ जो ना $1,000 के रेमिटेंस के ऊपर $60 तो वो बेचारा पे करता है इन एंड आउट। अगेंस्ट क्रिप्टो 0.10 सेंट भी नहीं पे कर रहा है वो, तो कितना डिफरेंस है, एक तो रेमिटेंस का हो गया, दूसरा FX उन कंट्रीज के अंदर जो ना वो बैंड है, क्योंकि बहुत सारी जो जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर FX को इसलिए नहीं किया, FX ने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन दे रखा है उन स्टॉक एक्सचेंजेस को, तो उस कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंजेस जो ना वो FX को लीगल इसीलिए नहीं करते, क्योंकि जिस दिन FX उसके अंदर लीगलाइज होकर घुस गया उस दिन जो है वो चीजें बदल जाएंगी, क्या होगा उनकी अपना अपनी स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए वो मार्केट जहाँ वोलेटिलिटी हो। लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस में कौन आज के डेट में ट्रेड करता है? तो पता है ही नहीं उसके अंदर इतनी वोलेटिलिटी, क्योंकि वो लोकल एक्सचेंजेस हैं, वो एक स्पेसिफिक कंट्री के हैं, ग्लोबल क्लाइंट आके उन एक्सचेंजेस पर ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि उनकी KYC नहीं क्लियर कर पाएगा। तो एक आप हम बात कर रहे हैं लोकल एक्सचेंज की और एक हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एक्सचेंज की, जहाँ पर जो है क्या कहते हैं बिलियन जो है लोग जो है आ रहे हैं और आके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरा हमारा गेमिंग इंडस्ट्री, हमने CFX ऑप्शन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इसलिए गया कि लोग उसके अंदर आए और ट्रेड करें, जिनको FX ट्रेडिंग नहीं आती वो वहां पर आकर जो है वो सीखें, और ये भी एक कम्युनिटी है बहुत बड़ी, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये, जहाँ पे लोग जो है वो FX के अंदर में जो है ना जाने से पहले गेमिंग प्रोडक्ट पे आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक छोटी छोटी जो है वो ट्रेड्स कर रहे होते हैं और उसके बेसिस पे आप लर्न कर रहे होते हैं कि मार्केट किधर जाएगी, और इसके अंदर आप अगर पैसे लूज भी कर रहे हैं, कॉइन लूज भी कर रहे हैं, तो एक कॉइन लूज कर रहे हैं, दो कॉइन लूज कर रहे हैं, लेकिन आप सीख भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, प्लस ये अपनी कम्युनिटी है इतनी बड़ी जो कि सिर्फ गेमिंग से काफ़ी पैसे बनाती तो उसके अंदर घुसती है। तीसरा चौथा हमारा जो है सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब FX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक वो प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने बनाया एक ट्रेडर कम्युनिटी के लिए, लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर हम एक ऐसा टूल बनाएं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें जो रिटेल कस्टमर है, यानी कि जो एक नया कस्टमर जिसको FX में ट्रेड करना है लेकिन वो FX में इसलिए ट्रेड करता है क्योंकि उसको डर लगता है ट्रेड करने में, क्या मैं पैसे लूज ना कर दूँ, क्योंकि एक यू नो परसेप्शन बन जाता है, जैसे लोगों का परसेप्शन बक्सकॉइन के बारे में बन जाता है अक्सर यार कि तो गया राइट, वैसे ही परसेप्शन जो है FX के बारे में बहुत सारे लोगों का कि FX में मैंने ट्रेड कर सकता मुझे नहीं आता,
या अगर आप आपको अगर आपको करना भी है ट्रेड, तो आपको ये नहीं पता कि हम किससे कराएं ट्रेड, क्योंकि हर बंदे की इतनी इतनी ना तो नॉलेज है ना इतनी उसका नेटवर्क है कि वो अपने अकाउंट को किसी भी बंदे को दे दे कि यार मेरे अकाउंट पे तुम ट्रेड करो, राइट। तो हम लोगों ने एक सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट था, और ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, एक बहुत हाई एंड प्लेटफॉर्म है। ये सब ऐसी चीज़ें नहीं है जो कहीं से हमने मार्केट से जाके कहीं ऑफ द शेल्फ खरीद ली हो, खरीद के ला के दे दिया। अब आप ये देखिए कि हम लोग इतने 2 साल के अंदर कॉन्सेप्ट ही तो बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ एफएक्स पे ही फोकस कर रहे हैं, अगर हम एफएक्स को एक ऐसा तड़का लगाएं उसके ऊपर कि जो जो आउटर ट्रेडर कम्युनिटी के साथ जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम उनको भी एक ऐसा टूल दे दें जहाँ पर वो बंदे आके खुद भी ट्रेड करें, क्योंकि हर बंदा मनी मैनेजर के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मनी मैनेजर एक ब्रेन है जो यूज कर रहा है अपनी नॉलेज को ट्रेड करने के लिए, या तो वो अच्छा करेगा या वो बुरा कर देगा। लेकिन अगर अगर हम उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर बड़ी ट्रेडर कम्युनिटी आके बैठ जाए, दुनिया भर से सारे ट्रेडर उसमें जुड़ जाए, और एक तरफ सारे इन्वेस्टर्स जुड़ जाए, और वो एक मार्केट प्लेस बन जाए जहाँ पर इन्वेस्टर आके अपनी पसंद से जो है वो ट्रेडर को देखे, उसके पोर्टफोलियो को देखे, उसके एक्सपीरियंस को देखे, और उसके बेस्ड वो अपना उसको फॉलो करे। आप अपना खूबसूरती क्या है कि आप अपना अकाउंट नहीं दे रहे किसी को ट्रेड करने के लिए, आप किसी की ट्रेडिंग को देख के उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपका फेसबुक है या यू नो ट्विटर है या इस टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें क्या होता है आज के डेट में, आप किसी ना किसी के पेज को लाइक करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के पेज को लाइक करेंगे तो वो जितनी बार पोस्ट डालेगा वो आपके भी वो फीड आपके भी जो है ना प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे आपको नजर आएगी, और आप उसके ऊपर कॉमेंट डालेंगे। ये सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल वर्ल्ड में वैसे ही ऑपरेट कर रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक ट्रेडर कम्युनिटी को लिया है, उस ट्रेडर की पूरा जो है डेटा जो है बायोडाटा जो है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे नजर आएगा, मैं दिखाऊंगा। और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि आप वहां जाके उसको देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, जनरेट कर रहा है, इसको फॉलो करो। क्रिप्टो में बिटकॉइन को छोड़ के बाकी जितने भी क्रिप्टोज हैं कॉइन मार्केट कैप के जो आप देखेंगे, वो कभी भी इतना आरओआई जनरेट नहीं करेंगे जितना आरओआई एफएक्स के अंदर जनरेट होता है और मनी मैनेजर्स करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि एक तो हमारा ये था कि हम ट्रेडर कम्युनिटी को लेके आए, साथ साथ हमारे अपनी कम्युनिटी इससे फायदा उठाए कि इन द मीन टाइम प्राइस ऊपर जा रहा है बक्स कॉइन का, या स्टेबल है, या उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली किसी भी प्रोडक्ट को उस लेवल पे जाने के लिए टाइम लगता है, बट इन द मीन टाइम अगर उसको पैसे बनाने हैं तो वो क्या करेगा, तो वो सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आके अपना एक एफएक्स में अपना एक अकाउंट खोलेगा, सोशल ट्रेडिंग में उसको ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद वो वहां से किसी को फॉलो करके वो अपना आरओआई जनरेट कर रहा है, और वो एक रिकरिंग आरओआई बन रही है उसकी, और उससे अपने खर्चे पानी सारे चल रहे हैं। कॉइन अपनी जगह बैठा, अगर कॉइन की रेट बढ़ गया तो कॉइन भी बेच दिया आपने, कॉइन से भी पैसे बना लिया। फिर हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि सभी को पता है, इसके बारे में बताना नहीं है। हम प्लेटफॉर्म क्रिएट हम लोगों ने किया, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, चांस दिया अपनी कम्युनिटी को, लेकिन हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर ज्यादा रिएक्शन नहीं करा, लोगों ने ना तो दुकानें खोली। कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके अंदर लोग अपने शॉप्स को ऑनलाइन करें, बक्स कॉइन जो है ना एक्सेप्ट करें, तो कम्युनिटी के लोग ही आके प्रोडक्ट खरीदेंगे, उससे उनकी जो है ना प्रोडक्ट भी बिकेंगे, दुकान भी चलेगी, एक एक्स्ट्रा जो है इनकम होगी, और हमारी कम्युनिटी कहने के अपनी बक्स कॉइन भी यूज करेंगे, राइट। और लास्ट हमारा जो चीज़ है वो है क्रिप्टो एक्सचेंज। अब हमने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उसको आज हमने क्रिएट जो किया वो इसलिए नहीं किया था, जो मिसकंसेप्शन है लोगों का उसको पहले दूर करते हैं, वो ये है कि इसलिए नहीं किया था कि बक्स कॉइन को उस पर ट्रेड करना है, इसलिए किया था क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम अपने एक्सचेंज में एक सिंगल वॉलेट सिस्टम बनाए, और सिंगल वॉलेट सिस्टम से हम जो है वो सारी यूटिलिटीज को कनेक्ट करें। अगर हम ये ना बनाते और बक्स कॉइन का अगर हम खाली जो है ना वॉलेट बनाते तो आप आउटर वॉलेट को नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल वॉलेट होता है, उसमें उसको उसमें ग्लोबल लोग नहीं कनेक्ट होते। लेकिन एक्सचेंज के अंदर क्या है कि एटलीस्ट अगर मान ली आउटर वॉलेट आउटर लोग नहीं भी है तो भी हमारी कम्युनिटी में 1.25 लाख 1.5 लाख लोग तो कनेक्टेड हैं, राइट। तो ये मेन पॉइंट था अपना एक्सचेंज बनाने का, कि एक्सचेंज बना के सिंगल वॉलेट सिस्टम बना के और वहां से सारी कनेक्टिविटी दें। आज आज कनेक्टिविटी वैसे ही तो है, अगर कोई किसी को पैकेज देना है तो वो क्या करता है, एक्सचेंज के थ्रू तो जाके करता है, वहाँ डिपॉजिट कर सकता है, और ट्रांसपेरेंसी रहे कि बंदे पैसे अपने डिपॉजिट करें, वहीं से उसको कन्वर्ट करें, वहीं से उसको यूज़ करें, अगर उनको वहाँ से एफएक्स में जाना है तो वहीं से वो एफएक्स में चले जाएं, अगर उनको सीएफएक्स में जाना है तो सीधे कैशफ्लेक्स वॉलेट से बक्स कॉइन की वो सीधे गेमिंग में डाल दें, या सोशल ट्रेडिंग में ले जाएं, या ई कॉमर्स में ले जाएं, या एंटरटेनमेंट में ले जाएं आगे। तो ये सिंगल वॉलेट सिस्टम था जिसको हमने कनेक्ट किया। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने
क्रिएट किया और आपके सामने आज वो सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं मेन यूटिलिटी के ऊपर, जो हमारा पहला प्लेटफॉर्म है मोयो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उस पर बात करते हैं। तो एफएक्स के बारे में तो बहुत से लोग जानते ही हैं, ये हमारा एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है MT4, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लेटफॉर्म है। उसके बारे में बताना कोई वो नहीं है, आप MT4 डालेंगे तो पता नहीं मिलियंस बिलियंस पेजेस आपको नज़र आएंगे और यूट्यूब वीडियोज़ नज़र आएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत वाइडली यूज़ होता है, और इस प्लेटफॉर्म को इसके अंदर हमने इंटीग्रेट कर इसलिए किया, अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाया डे वन से, क्योंकि सबसे पहले तो हम चाहते थे कि जो MT4 की ट्रेडर कम्युनिटी है, जो MT4 यूज़ करती है, वो सबसे पहले हमारे पास अंदर आए, क्योंकि वो ये प्लेटफॉर्म इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बंदा आराम से ट्रेड कर सकता है, बहुत यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, राइट। तो हमने MT4 को इसके अंदर कनेक्ट किया। अब हम लोग पहले एक्सचेंज हैं जिसने इसके अंदर में आपको पूरा जो है ना वो ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पर आके MT4 यहीं से आप कर लें, यहीं से आप डिपॉजिट कर लें, यहीं से आप जाएं, आप BTC डालें, BTC को कन्वर्ट करें कैश यूरो में, उसके बाद आप यहाँ से आप डिपॉजिट कर लें। अगर मैं इसमें मान लिया डिपॉजिट करना चाहूँ 10 यूरो, तो मैं यहीं से डिपॉजिट कर सकता हूँ, यानी डायरेक्ट अकाउंट भी खुलना, तो आप डायरेक्ट अकाउंट भी खोल सकते हैं, सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया, राइट। और मेरे ये देखिए यहाँ पर आके जुड़ गए। तो वन वॉलेट सिस्टम जो हम बता रहे थे, वो वन वॉलेट सिस्टम यहाँ से हमने इसको क्रिएट किया हुआ अपने अपनी कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी इसको आगे फुल फ्लेज यूज करें, ठीक है ना। तो MT4 जो है वो एक बहुत ही वाइडली यूज प्लेटफॉर्म है, और होता क्या है कि आप ये जो है यूजर टू यूजर नहीं, बेसिकली ये यूजर टू मार्केट प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसके अंदर जो आप प्राइसिंग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए जो जो मिली सेकेंड में फ्लक्चुएट होती रहती है, इतनी तेजी से आप देख रहे हैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, इसलिए क्योंकि ये मार्केट प्राइसेस हैं, ये कोई एक क्रिप्टो एक्सचेंज की तरह कोई बंदा यहाँ पर जाकर ट्रेड करके वो नहीं रख रहा है कि हमने यहाँ पर ट्रेड करा हुआ है तो हमारे जो है ये जो आप देख रहे हैं ऑर्डर्स, तो ये इंडिविजुअल ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसको लोग इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली ट्रेड नहीं कर रहा है, ये मार्केट प्राइसेस आ रही है, यानी कि ग्लोबली लोग इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और वो प्राइसेस यहाँ पर कोट हो रही है, और जो है वो दोनों का डिफरेंस भी बहुत टाइट होता है, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग जो है लगातार हो रही है। अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप इस पर ट्रेड करते हैं, आप खुद ही सेल कर सकते हैं, आप खुद ही बाय कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप या तो सेल करेंगे या फिर आप बाय करेंगे, डिफरेंस दोनों में ये है, राइट। यहाँ पे आपने सेल पे लगा दिया, कोई दूसरा आएगा तो बाय करेगा, आप खुद तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक यूज़र टू यूज़र मार्केट है, और ये यूज़र टू मार्केट मार्केट है, यानी आपने ट्रेड करा दिया, अगर आपको मार्केट से आपने सेल किया लेकिन आपको मार्केट बाय की अच्छी मिल गई, तो आपने बाय करके बाहर आ गया, अपना प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। प्लस ये लेवरेज्ड मार्केट है, यानी कि अगर आप एफएक्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप आपका जो कैपिटल इनिशियल जो है ना इसके अंदर लगेगा वो 1% है, अगर आप क्रिप्टो कर रहे हैं तो 5%, राइट। तो आप देखिए कि यहाँ पर आप कोई यहाँ पर अगर बेच रहा है 0.4 BTC, तो वो 7553 के रेट के ऊपर यहाँ पर बेच रहा है, लेकिन अगर यहाँ ये वही चीज़ों को यहाँ पर अगर आप बेचना चाहें फॉर एग्जाम्पल, और आपको लगे कि हम यहाँ पर आके BTC USD में करें, राइट, तो जो प्राइस है, ठीक है ना, उस प्राइस को आप यहाँ पर ये देखिए 0.01 करके आप बेच सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सेल करें, या हम अगर प्राइस ऊपर चली गई या मेरे फेवर में आ गई तो हमने उसको बाय किया और हम निकल गए प्रॉफिट लेके। इसीलिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डिफरेंस इसको कहते हैं, यानी कि आप एक जब आप बाय मार्केट में घुसते हैं एफएक्स की, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत घुसते हैं कि आप बाय भी करेंगे और आप सेल भी करेंगे, या ये नहीं होगा कि आपने ट्रेड लगाया इससे ये ट्रेड खुला है हमारा, राइट, तो कोई आके हमारे प्लेटफॉर्म में घुस के इस ट्रेड को नहीं उठा लेगा, या कोई मार्केट से इस ट्रेड को नहीं उठाएगा। हमने बाय किया यूरो कैड को, यूरो कैनेडियन डॉलर को इस प्राइस पर, राइट, और अगर वो प्राइस मेरे फेवर में आ गई और वो प्रॉफिट मुझे यहाँ नज़र आने लगा, ठीक है, तो हमने क्या किया यहीं पर जब इसे क्लोज किया तो ये क्लोज हो गई। अब जो लॉस था वो हमने अपना लॉस हम लेके निकल गए, अगर यही प्रॉफिट में होता तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते, ठीक। तो ये एफएक्स है, इतने सारे प्रोडक्ट इसके ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों ने अपने बक्स प्रोडक्ट को हम लोग एफएक्स के अंदर हम लोगों ने उतारा ताकि ट्रेडर कम्युनिटी इसके ऊपर आकर ट्रेड करे। अब आज कितने बेस्पोक प्रोडक्ट्स हैं, कितने बेस्पोक क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि
एफएक्स के अंदर में ट्रेड हो रही हैं, ये जितनी भी हो रही हैं ये सब तो एक जेनेरिक क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में बहुत 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 दिनों से हैं, सालों से हैं। आयोटा है, एलटीसी है, नियो है, ये डैश है, ये सारी तो पुरानी मां हो चुकी है भाई। लेकिन कोई ऐसी आपको क्रिप्टो करेंसी मिली जो एफिलिएट के अंदर हो और वो एफएक्स के अंदर आई, ये जो प्राइस मूवमेंट हो रही है ये मैकेनिज्म क्रिएट कराना बनाना ये कोई आसान चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन हम लोग वो टूल्स बना रहे बनाए हम लोगों ने ताकि हमारी जो एफएक्स ट्रेडर कम्युनिटी आया है अगर वो बीटीसी यूएसडी में ट्रेड करे जहाँ पर बीटीसी यूएसडी का जो है ना प्राइस जो है वो सेकेंडों में फ्लक्चुएट हो रहा है और वो यहाँ पर रिस्क लेना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि अगर वो अपने इस रिस्क को भी मिनिमाइज करे तो वो बक्स में आके ट्रेड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इतनी वोलेटिलिटी नहीं है, यहाँ पर वो पैसे बना सकता है, वहाँ पर उसके पैसे लूज करने के चांसेस हैं। तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं हेजिंग भी करना कि दो प्रोडक्ट में ऐसे ट्रेड करो, एक बहुत हाईली रिस्की और वोलेटाइल प्रोडक्ट और एक उसमें ट्रेड करो जो बहुत ही लेस रिस्की और वोलेटाइल है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है कि आपने रिस्क को मिटिगेट करते हैं, यानी कि आपने रिस्क को कम करते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने अपने बक्स के भी हर एक पेयर के साथ बनाए कि लोग इसके अंदर आके फायदा उठाए और बहुत से लोगों ने हम लोग की कम्युनिटी से भी इसके अंदर बहुत ट्रेड किया, पैसे भी बनाए पर हम लोग। तो ये आपका पूरा MT4 प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर टेक्निकल चार्ट्स तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, वन क्लिक ट्रेडिंग, एक बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने अपने इस एक्सचेंज में किया। अब कोई भी एक्सचेंज ऐसा नहीं है जिसने अपने अपना अपने प्लेटफॉर्म का जो है ना एफएक्स को जो है ना इसके अंदर वो लेके आया। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल हर एक एक्सचेंज ने आज अगर वो मार्जिन ट्रेडिंग देता है तो हर एक्सचेंज ये देखिए ने अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है खुद का और वो अपने प्लेटफॉर्म पर वो चीजें ट्रेड करा रहा है, राइट उसके ऊपर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब जो ट्रेडर कम्युनिटी वो आके यहाँ पे ट्रेड तो कर सकती है लेकिन क्या वो अपने एल्गोरिथम इसके अंदर लगा सकते हैं कि ये बहुत टेक्निकल चीज है। जो जो ट्रेडर कम्युनिटी आती है वो ट्रेडर कम्युनिटी जो है ना उसको बहुत से टूल्स चाहिए होते हैं, वो खाली आके ऐसे ट्रेड करना नहीं शुरू कर देती है, ठीक है। प्लस इनका मार्जिन लेवल बिल्कुल डिफरेंट है MT4 से, बहुत ही कंजर्वेटिव वे में ये लोग अपने जो है ना मार्जिन ट्रेडिंग को चला रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अभी देखिए प्रोडक्ट बढ़ाने भी इन्होंने शुरू कर दिए, पॉलिनेक्स ने काफ़ी प्रोडक्ट बढ़ा दिए, पहले इनके पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट हुआ करते थे, आज इनके पास 10-12 प्रोडक्ट आ गए, राइट। लेकिन अब एक ट्रेडर जो आ रहा है वो अपने एक एल्गो को इसके अंदर अटैच करना चाहता है क्योंकि उसका वो जो रोबोट है वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करता है, वो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर उसको MT4 पर ट्रेड करना तो वो अपने एल्गो को भी यहाँ पर अटैच कर सकता है और वो ट्रेड कर सकता है। तो ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अब मोयो को हम लोगों ने किस तरीके से डिजाइन किया, मोयो का कॉन्सेप्ट सिंपल जैसे हमने आपको अपनी देर समझाया वो यही था कि हम लोग इस सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर में जो हमारा फिलोसफी है और लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर एक बंदा आएगा वो इन्वेस्टर भी हो सकता है और ट्रेडर भी हो सकता है, राइट। अब इन्वेस्टर जो आएगा वो अपने अकाउंट को यहाँ पर आकर अटैच करेगा, यानी कि आपने पहले आए और आपने यहाँ पर आके MT4 का अपना अकाउंट खोला, ये आपका अकाउंट नंबर है 555444 फॉर एग्जाम्पल, ये आपने अकाउंट नंबर आपको मिल गया। यहाँ पर भी देखिए टर्मिनल खुला हुआ है, आप मोयो पे आए और आपने मोयो पे आने के बाद आप जो है ना वो सेटिंग्स पे गए और यहाँ पर आपने लिंक ब्रोकर अकाउंट किया, राइट। और यहाँ पर आपने MT4 पे क्लिक किया, ठीक, आपने ब्रोकर सिलेक्ट किया, अगर हम हैं यहाँ पर तो कैशियर हिसाब में सिलेक्ट किया, सर्वर सिलेक्ट किया, यूजर नेम पासवर्ड डाला और लिंक अकाउंट किया। जैसे ही आपने लिंक किया आपका ये MT4 अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब आपका MT4 अकाउंट कनेक्ट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको वो लोगों को ढूंढना है, उन ट्रेडर्स को ढूंढना है जो ट्रेडर्स आपके अकाउंट पर ट्रेड करके आप पैसे बना के दें। तो उसके लिए हमने ट्रेडर कम्युनिटी बना रखी है। तो जो ट्रेडर आएगा वो यहाँ पर आके ओपन ट्रेडर अकाउंट करेगा और वो अपना पूरा सेटिंग यहाँ करेगा कि किस नाम से वो आना चाहता है, क्या डिस्क्रिप्शन है उसका, कि वो किस प्रोडक्ट में ट्रेड करता है, उसकी अगर कोई वेबसाइट है तो डालेगा, अगर वो लाइव अकाउंट को अटैच करा तो उसका लाइव अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ने अपने अकाउंट को लिया होगा। और हमने ये भी ऑप्शन दिया कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो ट्रेडर भी हो सकता है, ट्रेडर है तो वो इन्वेस्टर भी अकाउंट खोल सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद ये हमारा एक ट्रेडर्स पेज है जहाँ पे सारे ट्रेडर्स लिस्टेड हैं, राइट। और ये बहुत ही डिटेल पेज है, सिस्टम ने 1, 2, 3, 4 जो है जो ये नंबरिंग दी है, ये एल्गोरिथम हमारा हमने जो बिल्ड किया उसके बेस पे दिए, जो अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है कि कितने लोग उसको, कितने अमाउंट पे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं,
लाइफ प्रॉफिट उसका कितना है, कितने इन्वेस्टर हैं और कितनी आरओआई वो जनरेट कर रहा है। उस आरओआई इन चार क्राइटेरिया के बेस पे उसकी रैंकिंग जो है वो सिस्टम उसको दे रहा है 1 2 3 को। तो आपके लिए ये आसानी होगी कि ये सबसे अच्छा ट्रेडर है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर। अगर आपको फिर भी उसके बारे में और डिटेल जानना है तो आप ट्रेडर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये उसका पूरा डिटेल आ गया, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि वो क्या ट्रेडिंग कर रहा है, आप ये देख सकते हैं कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसने कितना प्रॉफिट किया अब तक, ठीक है, कितनी ओपन पोजिशन है, ये जो प्रॉफिट इसका ये आ रहा है, ये प्रॉफिट 3 हफ्ते में आया, राइट। तो उसकी जो रिटर्न वो जनरेट कर रहा है वो 3 हफ्ते में उसने 0.68% किया, ठीक है, और 3 इन्वेस्टर्स को फॉलो कर रहा है, और ये उसका ग्राफ आ रहा है जो आपको दिखा रहा है कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और यहाँ से उसने प्रॉफिट बनाना शुरू किया और ये यहाँ पर उसका आके प्रॉफिट हो गया। इसकी हिस्ट्री देखनी तो आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, आप उसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि उसने कितने पैसे बनाए, 5 7 8 7 भी उसने पैसे इतने बनाए अक्टूबर के महीने में, वो कहाँ किस किस प्रोडक्ट में ट्रेड करता है आप ये भी देख सकते हैं कि उसने गोल्ड में वो ट्रेड करता है, ऑयल में करता है, GBP USD में करता है, यूरो डॉलर में करता है, क्या क्या परसेंटेज पे वो ट्रेड कर रहा है। ड्रॉडाउन में आप देख सकते हैं कि उसने कितने कितने लॉसेज लिए हैं, यानी कि उसके 35 यहाँ 15 अक्टूबर को उसका लॉस था, फिर उसके यहाँ पे उसने लॉस था, फिर उसके यहाँ पे लॉस था, इस तरीके से आपको ये भी दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे किस किस डेट को, दिन को उसने उसके ट्रेड नीचे भी गए, और आपको ओवरऑल ये दिखा रहा है कि इसका 87.50% विनिंग ट्रेड्स है, यानी कि आपको समझ में आएगा कि ये बंदा बहुत अच्छा ट्रेडर है क्योंकि इसके 87.50% के विनिंग ट्रेड्स हैं, राइट। ये इसकी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है जो सब जब से वो ट्रेड कर रहा था, आप देख रहे हैं कि एक लॉस के अलावा सारे प्रॉफिट उसके ट्रेड है, ठीक है। क्या उसकी कोई ओपन पोजीशन है? नहीं है। ट्रेडिंग हिस्ट्री से आपको पता चल रहा कि ये ट्रेडर बहुत अच्छा है। अब आपने क्या करा, वापस गए पीपल्स पेज पे और आपने कहा कि मैं इसको फॉलो करूंगा क्योंकि ये एक अच्छा ट्रेडर है, ठीक है। तो अब आप उसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेडर भी देख सकता है और इन्वेस्टर भी देख सकते हैं, यानी ट्रेडर इन्वेस्टर को देख सकता है, इन्वेस्टर ट्रेडर को देख सकता है, दोनों लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ कंपेयर भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमें चार ट्रेडर अच्छे लगे या हमें चारों ट्रेडर को अपने हिसाब से रैंकिंग देनी है, अब हम उन्हें कैसे कंपेयर करें। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया में आप सारे ट्रेडर्स को ऐड करेंगे कि भाई इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, फिर मैं उसके बाद जाता हूँ, फिर मैं इसको करता हूँ, फिर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब ये चारों ट्रेडर आपके सामने आ गए, ये क्राइटेरिया आ गया। अब आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, यानी कि ये सबसे अच्छा प्रॉफिट इसने बनाया, इसने 3 हफ्ते बनाया, इसने 2 हफ्ते बनाया, इसके पास 3 इन्वेस्टर, लेकिन इसने एक ही इन्वेस्टर में इतना प्रॉफिट जनरेट किया, इसके इतना आरओआई, इसका 2183% आरओआई, इसने इतना प्रॉफिट जनरेट किया 2 वीक्स के अंदर, तो इसका इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, राइट। तो इस क्राइटेरिया के बेस पे फिर आप ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर, अब ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं मेरा, ये मैं इसके अंदर हमने साइन अप किया एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर आ रहा है और यहाँ पर आके इस मार्केट प्लेस में हमको देख रहा है और हमें हमें सेलेक्ट करेगा। अब मान लीजिए कि मैं एज अ इन्वेस्टर अकाउंट खोलता हूँ, मुझे रियल अकाउंट खोलना है, मैंने अपना नाम, ठीक है, कैश फिनिक्स कर लिया हमने। अब यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं और आप वॉलेट अपना कैश फिनिक्स यूज कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर अपने एक्सचेंज का ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, राइट, ठीक। तो जब आप अपने अपने एक्सचेंज का ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो आपका एक्सचेंज का जो वॉलेट है, ये वॉलेट आपको वहां नजर आ जाएगा और आप इस जिस वॉलेट में पैसे होंगे, मान लीजिए अगर आपके BTC में पैसे पड़े तो आप BTC में, अगर आपके पास डॉलर में पड़े डॉलर में, उसको आप यहाँ पर यूज करके और आप ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको डेमो अकाउंट खोलना है तो आप यहाँ से डेमो अकाउंट भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि भाई मैं जो हूँ सिर्फ टेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप डेमो अकाउंट भी ज़्यादा
ठीक, एक तो आप यहाँ से चूज भी कर सकते हैं, और अगर आपको बढ़ाना है तो ये चेंज टू कस्टम अकाउंट, यहाँ पे आप करके खुद भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आपने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया, अलियास नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ये देखिए इन्वेस्टर अकाउंट नजर आ रहा है, अब वो करना पड़ेगा ना, पेंडिंग है। तो जब एडमिन जो ना उसको अप्रूव करेगा तो ये जो आपको पेंडिंग नजर आ रहा है ये मैं अप्रूव करवा देता हूं। तो जैसे ही आपको ये पेंडिंग नजर यहां से फिनिश हो जाएगा, जैसे ही हम लोग पीछे इसको अप्रूव करेंगे, तो फिर आपको यहां इसके अंदर जो है वो फॉलो बटन होना नजर आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, और आप फिर उसके बाद किसी भी क्लाइंट को किसी भी ट्रेडर को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और आपने लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं पोजीशंस के ऊपर, राइट। अब हमने अपने MT4 अकाउंट को देखिए लिंक किया है 555444, और ये हमारा MT4 अकाउंट है 555444। अब मैं यहाँ पर, अब मैं ट्रेडर हूँ और दूसरे एंड पे एक इन्वेस्टर है, ठीक है। इन्वेस्टर ने मेरे पे ये अपना अकाउंट लिंक किया। अब एज अ ट्रेडर, अब मैं इस पर जब ट्रेड मारूंगा, मान ली मैं ट्रेड मारता हूँ हीरो TRY पे ट्रेड मारता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको लेके जाता हूँ 0.1 और मैं सेल करता हूँ। अब देखिए ये ट्रेड आ गया, यूरो TRY का ये ट्रेड यहाँ पर आ गया। अगर मैं मोयो पे जाऊँगा तो मोयो में पोजीशन के अंदर में TRY नहीं है, अच्छा मैं GBP USD बताता हूँ, सॉरी GBP USD लेता हूँ और इसको मैं बाय करता हूँ। ये मैंने बाय कर लिया GBP USD, ये आ गया, राइट। अब मैं मोयो पे जाता हूँ, अभी भी नहीं आया है मोयो पे, GBP USD नहीं आया। आपका अकाउंट लिंक है, हाँ मेरे ख्याल में लिंक नहीं किया, लेट मी चेक, मे बी हमने लिंक नहीं किया इसलिए। जब आप ये लिंक कर देंगे और आप इसको ट्रेड लगाएंगे यहाँ से, तो जितने भी ये ट्रेड आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हाँ करें आप, ये देखिए, हाँ लिंक नहीं है। अभी देखिए अभी ये ट्रेड आ गया, ये ट्रेड हमने उधर MT4 पे लगाया GBP USD, GBP USD 0.01 1.2838, GBP USD 0.01 1.28338, 1.28338, राइट, दोनों तरफ। अब अगर इसको मैं क्लोज करूंगा यहाँ से फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ से भी ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, अभी दूसरा आ गया ट्रेड। तो यानी कि अब आपको MT4 पे हमारा ट्रेडर जो है वो ट्रेड करता जा रहा है। अब आप क्या करें, आपने सिर्फ अपने अकाउंट को लिंक किया, तो जितना वो ट्रेड लगाता जाएगा उतने वो ट्रेड आपके यहाँ पर आते जाएंगे। और वो कैसे आएंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फॉलो कैसे करेंगे। मैं पीपल्स पेज पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फॉलो बटन आ रहा है, मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसी को अनफॉलो कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ उसके क्राइटेरिया को चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मुझे अगर किसी और को फॉलो करना है तो मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और ये जो एक सिंपल बॉक्स है सिर्फ इन्वेस्टर को ये क्राइटेरिया फिल करना है खाली, लॉट साइज के, क्योंकि FX के अंदर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं, एक वन कॉन्ट्रैक्ट साइज इक्वल टू $100,000, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। उसके रेशियो में चीज़ें नीचे आती जाती हैं, यानी कि अगर आप 0.1 करेंगे तो 10,000 होगा, 0.01 करेंगे तो 1,000 होगा, 0.001 करेंगे तो $100 होगा, इसके रेशियो में ये कॉन्ट्रैक्ट साइज होती है। तो अगर हमने यहाँ पर आके हमने ये कहा कि जब भी ये ट्रेडर जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये नंद किशोर साहब, जब भी ये ट्रेड करें तो मेरे अकाउंट में भी एक लॉट कॉपी हो जाए, यानी कि $100,000 वर्थ ऑफ ट्रेड कॉपी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये FX है तो मार्जिन आपको कितना जाएगा, 1% ही जाएगा,
आप यहाँ पे लिमिट, अगर नो लिमिट देंगे तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार भी ये ट्रेडर ट्रेड करेगा, वो ट्रेडर जो है ना वो आपका इसके अंदर वो ट्रेड होते जाएंगे, यानी आपने इसको कोई लिमिट असाइन नहीं की। ठीक है, अगर आप चाहें तो लिमिट कर दे सकते हैं कि भाई इस ट्रेडर को सिर्फ मैं चाहूंगा कि ये 3 ट्रेड लगाए तो 3 ही ट्रेड इसकी कॉपी हो, 4 ट्रेड लगाए, 10 ट्रेड लगाए, यानी कि आप जहां से नंबर चूज कर सकते हैं, इतने ट्रेड मैं चाहता हूँ ये कॉपी पर, या फिर आप नो लिमिट पे जा सकते हैं। तीसरा, चौथा जो है वो ये है कि आप यहाँ पर एक इन्वेस्टर ट्रेडर को एक अमाउंट भी अलॉट कर सकते हैं कि आपने कहा कि मैं इस ट्रेडर को चाहता हूँ कि मैं इसको सिर्फ $500 का जो ना वो अपना पोर्टफोलियो दूँ, यानी कि 0.1% का जो है 0.1 लॉट का ट्रेड कॉपी होगा, कोई लिमिट नहीं है, $500 तक के ट्रेड ये उठाएगा और $500 के ऊपर जो है ना वो ट्रेड नहीं उठाएगा, यानी कि 0.1 के रेशियो में $500 तक के ट्रेड लग जाएगा, मैं इसको फॉलो करूंगा। तो ये जो नंद किशोर साहब हैं, ये नंद किशोर साहब जो हैं वो यहाँ पर हमारे डैशबोर्ड पे नजर आ गए। अब जब भी ये ट्रेडर ट्रेड स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखना शुरू हो जाएगा तेजी से, राइट। और अगर मेरी मान लीजिए ओपन पोजिशंस हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल मान ली मेरी ओपन पोजिशंस बहुत सारी खड़ी हुई हैं, अगर मैं इन ओपन पोजिशंस को, अब ये तो मैं किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहा हूँ, अब वो ट्रेडर ने जब भी ट्रेड लगाया, ये कि ट्रेड हमारे पास कॉपी होते चले जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कंट्रोल ट्रेडर के पास में नहीं है। आज हमारा प्रॉफिट सारा ये है, अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं हम अपने 1700 इतने पैसे लेके निकल जाएं, तो मैं सारी पोजीशंस को एक ही बार में क्लोज कर दूं, तो ये प्रॉफिट हमारा जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारे प्रॉफिट, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इंडिविजुअली क्लोज करूं, कि ऐसा लगता है कि नहीं ये लॉस में जा रहा है बहुत देर से, इसके ऊपर ज़्यादा लॉस नहीं देना है, तो आप इंडिविजुअली इसको क्लोज कर सकते हो, आपको ट्रेडर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रेडर से कोई मतलब नहीं। अब देखिए हमने लॉस कवर कर लिया तो हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ गया, क्योंकि वो जो ट्रेड लॉस में था वो ज़्यादा खा रहा था हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 100% कंट्रोल। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि देखिए दो चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, एक हमने कैश फ्लिक्स के वॉलेट को इसमें कनेक्ट किया, जो हमने आपको दिखाया था कि जब आप कोई भी अकाउंट साइन अप करते हैं तो आप अपने वॉलेट को, यानी कि कैश फ्लिक्स के वॉलेट को आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम पोजीशंस में जाएंगे तो हम लोग ने क्या करा है कि अपने बक्स को इसके अंदर ऐड किया है, तो आप ये देख रहे हैं कि जितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस बक्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी बक्स यूएसडी के रेशियो से ये कन्वर्ट हो रहा है यहाँ, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बक्स के फॉर्म में आ रहा है। अब आप इस चीज़ को, इसको समझें कि जब भी कोई एफएक्स ट्रेडर हमारे पर आएगा, जो मैं आपको यूटिलिटी की बात कर रहा था, मोयो प्लेटफॉर्म से पहली बात तो ये है कि लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर आकर मल्टीपल ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड ट्रेडर्स फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक या दो, एज फार एज आपके पास एक्विटी है अकाउंट के अंदर आप अनलिमिटेड ट्रेडर्स फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्विटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो आप एक ब्रेन की जगह आप मल्टीपल ब्रेन यूज कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जितने भी लोग इन आएंगे और आउट जाएंगे, वो सबका प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जब कोई ट्रेडर आएगा, आउटर ट्रेडर, वो आकर एफएक्स का अकाउंट खोलेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, बीटीसी डालेगा, बीटीसी डालकर वो बक्स में कन्वर्ट करेगा और तब वो ये अकाउंट लगा पाएगा, यानी वो बक्स से अंदर आ गया। अब आप लोग एज अ कम्युनिटी, आप लोग एक सप्लायर हैं, राइट, आप लोग एक सप्लायर है और हम लोग जो है वो एक तो आप सप्लाई लेके बैठे हुए हैं, बाहर से ट्रेडर आ रहा है, जब वो आके एफएक्स का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो क्या कर रहा है, बीटीसी डाल रहा है और बक्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो एक ट्रेड लगा रहा है बीटीसी बक्स के अंदर और आप अपने बक्स वहाँ लगा बैठे हैं, तो यानी कि क्या होगा कि वो आपका ऑर्डर मैच करेगा, उसके पास बक्स आएंगे, वो बक्स लेके सीधे मोयो पे आएगा, मोयो पे आने के बाद वो यहाँ पर अकाउंट अपना अटैच करके MT4 पर ट्रेड करना शुरू कर देगा। जब वो प्रॉफिट करेगा, जितना भी उसका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी बक्स के अंदर आ रहा है, जितने भी उसके बक्स होंगे, वो यहाँ से जो उसको विड्रॉ करेगा और उसके बाद वो सीधे एक्सचेंज में उसके पास क्रेडिट हो जाएंगे, वहाँ से वो बक्स फिर बेचेगा और वहाँ से वो BTC, इथेरियम जो भी लेके निकलना है वो निकल जाएगा, यानी कि सारा ट्रेड, सारा चीज़ें इस एक्सचेंज से कनेक्टेड है। और जब बक्स कॉइन आउटर वर्ल्ड में लिस्ट होगा तो भले आप हमारे कैश फ्लिक्स पे आके करें या आप जाके बाहर के किसी भी एक्सचेंज जहाँ लिस्टेड है वहाँ से जाके बक्स खरीदें, डजेंट मैटर, आप बक्स वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट हो और आप वहाँ गए और आपने वहाँ जाके बक्स बेच के लगाया, ट्रेडर हमारा जो आ रहा है
वो यहाँ से भी खरीद सकता है और वो जाके सीधे बाइनेंस से भी खरीद सकता है। वहां से वो बक्स जो ले खरीदेगा आउटर वर्ल्ड से, उस बक्स को उसको कैशफिनिक्स वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और यहाँ से वो एफएक्स का पैकेज लगा सकता है। सारी कनेक्टिविटी हमने इसकी इसी से जोड़ी है, राइट। इसके वजह इस, इसकी इसकी कनेक्टिविटी से हम लोग जो है वो सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। तो बैक टू बैक आप देख रहे हैं हर चीज एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म कितना खूबसूरत है, आप इसके अंदर प्रॉफिट के रेशियो आप देखिए कि कोई बंदा इतने पैसे बना सकता है। अगर मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ जो सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, इवन वो भी क्रिप्टो में नहीं है, ये भी एक स्टैंडर्ड है। इन्होंने आज से 7-8 साल पहले ये सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया। आज अगर आप इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो 1.19 ट्रिलियन का वॉल्यूम ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए 5-6 साल। आप देखिए कितना कितना ट्रेडर इनके पास आके ट्रेड कर रहा है। अगर आप और अगर आपको मैं दिखाऊं कि ट्रेडर्स क्या क्या आरओआई जनरेट कर रहे हैं तो आप हैरत में रह जाएंगे, वो चीजें खो नहीं पाएंगी। देखिए 104%, 3.5 लाख डॉलर से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, 1.1 मिलियन, इस ट्रेडर को 1.1 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ इन्वेस्टर फॉलो कर रहे हैं। 88% दे रहा है, 249% दे रहा है, 462% आरओआई दे रहा है। अब आप देखिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर में अगर हम इस पूरे फॉलोइंग को करें तो $1 बिलियन से ऊपर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सिर्फ जूलू के ऊपर, राइट। लेकिन इन्होंने कहीं पे क्रिप्टो नहीं दे रखी है। और इनके प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत फर्क है, इनका सिर्फ वन वे, हमारा टू वे। इन द सेंस के ट्रेडर भी ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्टर भी ट्रेड कर सकता है। इनके केस में सिर्फ इन्वेस्टर आके लिंकअप कर सकता है, इन्वेस्टर खुद नहीं ट्रेड कर सकता। हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर अगर इन्वेस्टर को ये लगे ठीक है हम किसी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम साथ साथ आके हम खुद भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो हमने उन्हें प्लेटफॉर्म भी बनाया है इसके अंदर जहां पर आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है यहां से, तो आपने खुद भी ट्रेड किया और आपने यहाँ ट्रेड लगा, ये पोजिशन आ गई। लेकिन आप रिटर्न देखिए, 1.546% आरओआई रिटर्न। हम लोग तो 5-10% की बात करते तो लोग घबरा जाते हैं, यहाँ तो लोग 1500-1500% आरओआई जनरेट कर रहे हैं ट्रेडर्स। और ये सब जेनुइन ट्रेडर्स हैं, ये सब जेनुइन डेटा, ये रेगुलेटेड कंपनी है, रेगुलेटर्स इनके सारा डेटा को जो है ना वो देख के पूरा प्रॉपर तरीके स्क्रीनिंग करके तब ये पोस्ट होता है, ऐसे नहीं होता। अब देखिए कितना वॉल्यूम आ रहा है। अब आप ये सोचिए कि अगर धीरे धीरे करके, और 6.5 ट्रिलियन की मार्केट को ये तो नहीं खा जाएंगे ना अकेले, इनकी इतनी कैपेसिटी इतना है। तो हमारे जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट जो उसमें कूदे हैं, जो एक डिफरेंट एज लेके आए हैं, क्रिप्टो में लेके आए, इनके इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इनके अंदर फिर भी वही प्रॉब्लम है कि अगर कोई इंडिया का ट्रेडर आता है, पाकिस्तान का ट्रेडर आता है, सिंगापुर का ट्रेडर आता है जहाँ पर एफएक्स बैंड है, वो पैसे तो फिर भी डॉलर पाउंड में ले जाएगा, वो कैसे ले जाएगा? जब वहां जाएंगे वापस तो क्या करेगा? वो टैक्स पे करेगा, वो जवाब अलग देगा, यू नो डिफरेंट अथॉरिटीज को पकड़ेंगे अलग। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, इवेंचुअली जब सारा वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा तो वो बक्स बेच रहा है ना सर, उसको बक्स मिलना है, वो बक्स ले रहा है। अगर बक्स की प्राइसिंग बढ़ रही है क्योंकि डिमांड सप्लाई को हम इनपुट से मैच कर रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म पे आके बक्स को ट्रेड कर रहा है किसमें, वो बक्स को बीसीएच में लेके निकल जाए, इथेरियम में लेके निकल जाए, लाइट में लेके निकल जाए, एक्सएमआर में लेके निकल जाए, डॉलर में लेके निकल जाए, बीटीसी में लेके निकल जाए, कोई पूछने वाला उसको? तो आप ये सोचिए जो इस लेवल के ऊपर जब जब एफएक्स लेके हम लोग जाएंगे तो जितने भी ट्रेडर यहाँ बैठे हुए हैं इनके पास जो कहीं ना कहीं नहीं आ पाए हैं उस क्राइटेरिया को लेके, राइट, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जंप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीजें टूल्स मिल रहे हैं और एक क्रिप्टो मिल रही है जो इन एंड आउट बक्स से है, लेकिन जब वो आउट जा रहा है तो वो बक्स को किसी भी क्रिप्टो में इनकैश करके, अगर उसको फिएट चाहिए तो फिएट में इनकैश करके वो निकल सकता है। ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, राइट। और इतने टूल्स हैं, अगर मैं बताने बैठूंगा तो आप 2-3-4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं, जिसका हम एक सेशन बनाएंगे और लोग बताएंगे कि आप अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, इस प्राइस पे खरीदा ठीक है ना, तो इस प्राइस पे खरीदने के बाद ये प्राइस आपने ली, लेकिन आप चाहते हैं ये अगर 1.28397 पे मैंने खरीदी एंट्री ली, अगर मार्केट इससे $20 नीचे आ जाए, यस यस, अगर मार्केट इससे 1.2839% नीचे आ जाए, मान ली 100 पॉइंट नीचे गिर गए तो आपको तो लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। तो आप यहाँ पर अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, और ये फीचर आपको यहाँ नहीं मिलेगा इनके पास।
क्योंकि MT4 पे जो हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ पर आप जब मर्जी आए तो आपने स्टॉप लॉस लगाया, आप पिप में लगा सकते हैं, वैल्यू में लगा सकते हैं, आप प्रॉफिट में लगा सकते हैं, और आप अपने रिस्क को फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं। आप ऊपर के लेवल पे भी लगा सकते हैं कि आप मार्केट अगर 500 पॉइंट ऊपर जाए तो मेरा ट्रेड कट जाए, मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि बिटकॉइन जो है वो 200% ऊपर जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट की लिमिट भी लगा दी और सेट कर दिया। कंट्रोल देखिए हमने कितना बना के रखा है प्लेटफॉर्म में आपके लिए, आप अपना पूरा कंट्रोल प्लेटफॉर्म पे पकड़ के रखे हैं, येट आप लोगों को फॉलो करके पैसे बना रहे हैं। अगर आपको सारी पोजीशन एक बार में क्लोज करनी है तो आपने आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज ऑल पोजीशन, यस, तो सारी पोजीशन कट जाएंगी और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस आपका बक्स के फॉर्म में आ जाएगा भाई। तो और स्विचिंग कितनी आसान है कि मैं ट्रेडर अकाउंट में गया, ये मैं ट्रेडर अकाउंट में आ गया, अब मैं एज अ ट्रेडर ट्रेड कर रहा हूँ। अब मुझे लगा कि नहीं, मैं ट्रेड तो कर रहा हूँ दूसरे के लिए, लेकिन मैं एज अ इन्वेस्टर भी तो किसी को फॉलो करता हूँ, तो एक ट्रेडर खुद भी इन्वेस्टर अकाउंट साइन अप करके और वो यहाँ पर आके मैं भी चार लोगों की स्ट्रैटेजी को कॉपी कर सकता हूँ और उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो देखिए आप क्रॉस सेलिंग कितनी अच्छी बनाएंगे कि खाली ट्रेडर किसी के लिए ट्रेड नहीं करेगा, ट्रेडर को ट्रेडर भी जब यहाँ पर आएगा तो देखेगा यार हमसे भी अच्छे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, हमसे भी अच्छे लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, चलो हम उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करें और फिर वो कॉपी वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपने साइड में ले आए ताकि हमारे इन्वेस्टर भी उससे फायदा उठाए, राइट। तो ये मोयो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको हम लोग इस वीक अप एंड रनिंग कर रहे हैं फुल फ्लेज। इसके अंदर हम लोग बहुत मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, ट्रेडर्स ले लेके अच्छे अच्छे हम लोग इसके अंदर आ रहे हैं ताकि वो ट्रेडर्स आएंगे और वो यहाँ पर जब आपको एक पूरा अगले अगले 3-4-6 महीने के अंदर आप देखेंगे कम्युनिटी पूरी भरी पड़ी होगी ट्रेडर्स के थ्रू, तो आपके पास तमाम जो ना ऑप्शन होंगे पैसे बनाने के लिए टिकने के लिए। तो अगर हम लोग कोई शॉर्ट टर्म का काम करना होता तो ये सारे जो टूल्स हम लोग बना रहे हैं बैठ के रात दिन जो ना यू नो चश्मा भी लग गया मेरे तो हम लोग ये सब क्यों कर रहे होते हैं? कुछ तो बगल में बैठे हैं लोगों के सर के बाल चले गए यहाँ तो तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम लोग अपना मिशन को पीछे नहीं हट रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं और करते जाएंगे, और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर, ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि आज बक्स कॉइन बस ले लिया और बक्स कॉइन बस बिके बस और बिक जाएगी इस तरीके से। एक होता है बिकना और एक होता है अच्छा बिकना, दोनों में फ़र्क होता है। अच्छे बिकने के लिए आपको रोड मैप क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। CFX ऑप्शन हमने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत से लोगों ने यूज़ किया, लोग यूज़ कर भी रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये इसकी अपनी कम्युनिटी, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इस पर ट्रेड करें या ना करें, इससे मुझे नहीं वो है, लेकिन हमने बनाया ये टूल उस कम्युनिटी के लिए है कि जो कम्युनिटी यहाँ पर आकर ट्रेड करती है, क्योंकि उसको प्रिडिक्शन करने में बड़ा मजा आता है, उसको गेम खेलने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसके अंदर आप बक्स का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग इसको और बढ़ा रहे हैं भाई। अब इसके अंदर लोग आएंगे, लोग प्रिडिक्ट करेंगे, टाइम फ्रेम होता है इसके अंदर 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, आपको ये करना है कि ये मार्केट यहाँ खड़ी है, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, अगर आपने विन किया तो आपको 0.78% जो है ना एक्स्ट्रा बक्स कॉइन मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बक्स डालें कैसे, तो बक्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वॉलेट इंटीग्रेट किया हुआ, ये हमारा वॉलेट एड्रेस, आपने ये वॉलेट यहाँ उठाया, यहाँ से कॉपी किया, फिर आप कैशफिनिक्स में गए, फिर आपने यहाँ पर वॉलेट में गए, आने के बाद आप माई वॉलेट में आए और आपने जो है ना सोचा कि मेरा बक्स कॉइन ये पड़ा हुआ है, मैं विड्रॉ में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर आके उसको पहले तो प्रोफाइल में मैंने ऐड किया बक्स कॉइन को, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमें जब वो बक्स कॉइन नज़र आ गया, यहाँ पर आपने क्रिप्टो डिटेल्स में जाके आपने तो आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया, जब आपका हो गया ऐड तो जब आप यहाँ पर आए आपने अपने वॉलेट से वो बक्स कॉइन को फिर पुश किया और वो यहाँ आ गया, और जब आप इसको जो है ना विड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी आपका जो है ना वो सीधे कैश में वॉलेट में जा रहा है, तो आप देख रहे हैं फिर इन एंड आउट एक वॉलेट से हो रहा है। उसके बाद हम लोग अपना एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म एक कोलैबोरेशन से कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है इन्फी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, ये हम लोग कोलैबोरेशन के साथ लेके आ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म 2020 के अंदर आएगा, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंटरटेनमेंट का, राइट, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इसकी कि अगर आप देखेंगे तो यू नो हैरत रह जाएंगे, बाकी तो आपको पता ही है नेटफ्लिक्स सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, उसके उसका कोई ऑल्टरनेटिव अभी बना नहीं, सिर्फ अमेजोन ने उसका बनाया है और वो लोग भी अच्छा मार्केट, लेकिन मार्केट कितनी बड़ी है, लेकिन क्रिप्टो बेस्ड कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। आज हम लोग ये इनके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च कर रहे हैं,
इसके अंदर में हम लोग चार वर्टिकल लेके आ रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म के अंदर में आपको वीडियो भी मिलेंगे, यानी कि आप क्रिप्टो से वीडियो खरीद सकते हैं, आप क्रिप्टो से ऑडियो गाने सुन सकते हैं, खरीद सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी जो आजकल सैमसंग का हेड गियर आ गया, जिससे आप 3D मूवीज देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और आप अपने पूरे घर को ऑटोमेट सिक्योरिटी सिस्टम को लगा के और इसी ऐप से जोड़ सकते हैं, यानी कि आपको मल्टीपल चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं। आज ये चार डिफरेंट इंडस्ट्री हैं, चार डिफरेंट ऐप हैं, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर में ये चारों एक ही उसके अंदर आ रहे हैं। यानी कि आपको कुछ भी देखना है, आपको कुछ भी करना है, तो आप ये सारी चीज़ें इस ऐप से देख सकते हैं। ये ऐप का फॉर्म होगा और इसी ऐप से जो ना आप सारा सारे चारों सेगमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं इन एंड आउट। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 35 to 40 million dollars हम लोग इस पर इनके साथ कोलैबोरेशन रेस करने में लगे हुए हैं। इन्फिनी हम लोग को पहले जो अपॉर्चुनिटी दी कि हम इनके साथ जो ना वो जुड़ के और इसको इसको क्राउड फंडिंग इसकी करें, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में जो ना 2020 के जो ना होपफुली जब फंड रेस कर ले जाएंगे तो हम लोग इसके ऊपर काम पहला वर्टिकल बनाना शुरू करेंगे। पहला वर्टिकल हमारा वीडियो ऑन डिमांड होगा, ठीक है। हमारा बेसिक मॉड्यूल बहुत सारे रेडी हैं। हम लोग को जब क्राउड फंडिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली हम लोग सब्सक्रिप्शन खरीदने, अच्छे अच्छे मूवीज के इसमें डालने और क्रिप्टो को इसके अंदर लिंक करना है। अब इसको प्रमोट करने के लिए टीमों ने बहुत काम किया है, और यू नो हमारे जो इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जो हमने इनके साथ कोलैबोरेशन किया उसमें प्रमोशन अगर हम देखें तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बॉलीवुड के बड़ी नामी ग्रामी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सलीम मर्चेंट को सारे लोग जानते होंगे। सलीम ने इसको एक्टिवली प्रमोट करना शुरू किया और उसने हम लोग के साथ साइन अप किया है। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो ये अच्छा है कि मतलब इस टाइप के लोग जो ना हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, जो कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जिसको प्रमोट करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्द लाइव जाने वाला है और हम लोग इसके ऊपर स्टार्ट करें। साथ साथ हम लोग अपना खुद का टोकन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है CFX टोकन। CFX टोकन हमारा जो है वो बाइनेंस की तरह, जैसे कि बाइनेंस है और सारे लोग जानते होंगे कि बाइनेंस ने अपने कमीशन्स को कम करने के लिए और उसमें एक अच्छा लॉजिक लगाया कि बाइनेंस ने अपना टोकन ऐड किया BNB, ठीक है। आज BNB की प्राइस देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई, $20 पहुँच गई, ठीक है। यानी कि अगर आप नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे तो 0.5% आप देंगे कमीशन, अगर आप BNB में ट्रेड करेंगे तो आप 0.2 देंगे कमीशन। तो लोग जो हैं वो BNB के ऊपर लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया। अब क्या है, देखिए आउटर कम्युनिटी जो है, जो ट्रेडर्स कम्युनिटी होती है, वो हमेशा नए नए टोकन्स और नए नए कॉइन्स में जो है वो घुसती है, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छी वोलेटिलिटी है यहाँ पर, तो इसके अंदर हमें जो है वो काफ़ी पैसा बनाने को मिलेगा। और यही लोग होते हैं जो एक्चुअली में इस सॉर्ट ऑफ जो है वो टोकन्स को जो है बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने सिमिलर कॉन्सेप्ट में काम करना शुरू किया कि हम लोग अपना खुद का एक टोकन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है CFX टोकन, जो कैशफिनिक्स का जो है ना वो एक्सक्लूसिव टोकन होगा जो इसके ऊपर ट्रेड होगा। अगर कोई बंदा BTC USD में ट्रेड कर रहा है तो वो इतने कमीशन पे करेगा, अगर वो CFX बक्स कॉइन में ट्रेड करेगा तो वो लेस कमीशन पे करेगा, ठीक। और इसके थ्रू हम लोग जो है ना वो इस CFX टोकन को भी हम लोग अलग सारी यूटिलिटीज़ में जोड़ रहे हैं, और इसके लिए हम लोग एक क्राउड फंडिंग करने जा रहे हैं जो कि हम लोग 15 नवंबर से इसको होपफुली लॉन्च करेंगे। अगर इसके अंदर हम लोग 15-20 million का टारगेट लेके चलने अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग के पास कंपनी जो है ना वो इनफ लिक्विडिटी लेके आ जाएगी कि कंपनी जो है जब कॉइन हमारा बाय द टाइम लिस्ट होगा और ट्रेड होना शुरू होगा धीरे धीरे, तो इतनी लिक्विडिटी होगी कि हम कॉइन की वैल्यू को और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अपने अपने कॉइन। तो इसके लिए हम लोग ये सारी मेहनत कर रहे हैं। और एक दूसरा एक इसके अंदर एक और भी जो है ना मोटिव है वो ये है कि आउटर कम्युनिटी जो है ना वो आएगी इसके अंदर, क्योंकि जो जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिर्फ ICOs में या IEOs में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि यहाँ से इन्वेस्ट करके हम जो है ना वो पैसे बना सकते हैं, वो कम्युनिटी इस टोकन को खरीदेगी और आएगी। अब जब उस वो इसको खरीदेगी तो फिर जब उसको सेल करेगी तो सेल के उसके और ऑप्शन में भी बक्स कॉइन भी है, तो वो उसको यहाँ पर सेल करेगी, बक्स कॉइन देखेगी परफॉर्म कर रहा तो बक्स कॉइन लेगी, बक्स कॉइन वाले लोग देखेंगे कि अगर टोकन अच्छा परफॉर्म कर रहा तो वो बक्स कॉइन को वहाँ बेचेंगे, टोकन ले लेंगे और टोकन को फर्दर सेल करेंगे। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना एक बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोग जिसको लेके आ रहे हैं, और इससे हम लोग एक बहुत बड़ी हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम लोग एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को इसके थ्रू लेके आएंगे, और कंपनी को भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना है ताकि कंपनी जो है ना जब कैश रिच कंपनी होगी तो कंपनी जो है वो, अब जो हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं कि हम लोग
अपनी कम्युनिटी के पैरेलल कम्युनिटी बनाने के लिए ये सारे अलग अलग जो है वो हिस्सों को लेके एक जगह लेके आ रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ से जो है वो और जनरेट करें। तो अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी हमने उसको लॉन्च नहीं किया है, और सून हम लोग जब इसको लॉन्च करेंगे तो आपको इसके बारे में बता देंगे। और बट कोई हम लोग ये चीज़ अपनी कम्युनिटी के लिए मत सोचिएगा कि ये हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए लॉन्च कर रहे हैं, नो, इट्स इंटायरली अप टू यू, आपको करना है आप इसमें करें, नहीं करना है हम लोग ये प्रमोट भी नहीं करेंगे कहीं पर भी किसी भी पैकेजेस के अंदर। ये हम लोग जो है वो इसको आउटर कम्युनिटी पर लेके जा रहे हैं, जब ये रेडी हो जाएगी पूरा पूरा प्लान तब हम इसको जो है ना वो फ्लोट करेंगे, और इसके लिए हम लोग इंडिपेंडेंट आईसीयू चलाएंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर भी हम लोग सेम सिस्टम लेके आ रहे हैं और इसको हर जगह इसको यूज कराएंगे, और इट्स अ बिग बिग वे फॉरवर्ड, ठीक है सर। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर इसके अंदर कर ली हैं। कैशफिनिक्स को और बक्स कॉइन के हवाले से मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, एक तो ये कि हम लोग बक्स कॉइन को डेफिनेटली रीवैम कर रहे हैं, उसकी लेटेस्ट ब्लॉकचेन हम लोग बना रहे हैं, और उसमें हम लोग नया वेब वॉलेट लेके आ रहे हैं, बेहतरीन वेब वॉलेट होगा होपफुली, जब वो रेडी हो जाएगा इस वीक हम लोग पहले उसको ऑन करेंगे, आप उसको देखिएगा, जो पहले वेब वॉलेट था और अब का जो वेब वॉलेट होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी, बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपको अपने बक्स कॉइन मैनेज करने के लिए। और साथ साथ जो है हम लोग अपनी ब्लॉकचेन को, क्योंकि हम लोग ने ब्लॉकचेन बनाई थी तो ऑब्वियसली 2.5 साल पहले वो बनी थी, और आज वो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं से कहाँ पहुँच गई। टेक्नोलॉजी आपको पता हर दिन चेंज होती है, हर दिन नई चीज़ें आती हैं। फोक का टाइम था तो हम लोग ने बेटर ये सोचा कि लिस्टिंग से पहले अगर हम लोग करेंगे तो बेटर हम लोग के लिए रहेगा, क्योंकि हम लोग इतनी सारी यूटिलिटीज़ को जो ऐड कर रहे हैं अपने जो है क्या कहते हैं ब्लॉकचेन के साथ, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस हमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, स्केलेबिलिटी लानी बहुत ज़रूरी थी। माइनिंग के अंदर बहुत सारे कॉइन पड़े थे, बहुत ज़्यादा लोग माइनिंग नहीं भी करते थे, तो हम लोग बजाय माइनिंग के सप्लाई साइड में कॉइन को जो है ना शिफ्ट कर रहे हैं माइनिंग से, ताकि हमारे और ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेंट आ पाएँ और हम सप्लाई को जो है मार्केट में अच्छी तरीके से लेके जा पाएँ, राइट। क्यूटी वॉलेट कम्प्लीटली नया आ रहा है, मच बेटर, मच फास्टर, ठीक है, ग्लिच फ्री, सारे नेटवर्क को सपोर्ट करने का। और उसके साथ साथ हम लोग मोबाइल वॉलेट भी इस बार लॉन्च कर रहे हैं, तो मोबाइल वॉलेट भी आपको बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आएगा, और सारी कनेक्टिविटी हम लोग एक्सचेंज में ले जाने से पहले कर रहे हैं, ताकि जब आप हमारा कॉइन आउट ऑफ एक्सचेंज की लिस्ट हो जाए तो हमारी ये सारी जो ऑप्शंस हैं आपके लिए कि वेब वॉलेट, क्यूटी वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ये सारी चीज़ें, कन्फर्मेशन टाइम हमने स्क्वीज़ किया है कि 6 कन्फर्मेशन है, हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको और स्क्वीज करके जो ना 4 तक लेके आए, 5 तक लेके आए, जितना हम लोग कम कर सकते हैं ताकि और तेज कन्फर्मेशन हो। लेकिन जो स्केलेबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इतने सारे यूटिलिटी यूज़ करेंगे और हम इतने सारे जो ना आउट ऑफ वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं, जब एफएक्स ट्रेडर इतने ज़्यादा जब आएंगे, वो लोग बक्स कॉइन बेचेंगे खरीदेंगे, तो वो ये देखेंगे कि भाई इनकी ब्लॉकचेन परफॉर्मेंस कैसी है, इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, राइट। और हम लोग अपनी ब्लॉकचेन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मॉडिफाई कर रहे हैं कि हम लोग अपनी ब्लॉकचेन में जब हमारा ये एक्सचेंज लिस्ट हो जाएगा कॉइन मार्केट कैप में, तो ऑब्वियसली जो नए नए टोकन आएंगे वो हमारी अप कॉइन हमारे ब्लॉकचेन को यूज़ करें और उसको वो वहाँ से वो टोकन भी जनरेट करें या कॉइन बनाएं, तो ये भी हमने ऑप्शन उसके अंदर रखा है। क्यूटी वॉलेट के अंदर में हम लोग मास्टर नोड लेके आ रहे हैं, ये भी एक डिफरेंट जो ना सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, लेकिन ये एडिशनल फीचर है। मास्टर नोड बेसिकली होता है एक माइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉर्ट ऑफ मनी मैनेजर माइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर में माइनर आता है वो बहुत ही प्रोग्रामर होता है, वो उसको पता होता है माइनिंग कैसी होती है, और वो अपने कॉइन डालता है मास्टर नोड में, और उसके बाद जितने भी लोग हैं या तो वो इंडिविजुअल माइनिंग करें या वो उसके साथ जुड़ जाएं, तो वो होता है क्या है कि वो माइनर जो है जो आपके लिए माइनिंग करता है हाई पावर जो ना पीटा हैश पावर के ऊपर, तो जब ज़्यादा कॉइन जनरेट होते हैं कम से कम टाइम के ऊपर, तो उसको भी एक एक जो है ना वो उसमें इंसेंटिव मिलता है, प्लस आपको ज़्यादा कॉइन मिलते हैं, तो ये चीज़ भी जो है ना उसके अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल एंटिसिपेटेड ये है कि हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम लोग फुली टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम लोग बक्स कॉइन को 2 आउटर एक्सचेंजेस में लिस्ट करेंगे, और जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस होती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे, राइट। आउटर एक्सचेंज में लिस्ट करना हम लोग के हाथ में नहीं होता, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट करें, ठीक है। आउटर एक्सचेंजेस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से उसको ले रहे हैं, बट सो फार हम लोग वी आर वेल अंडर कंट्रोल, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और हम लोग अपने स्केड्यूल पे चल रहे हैं, तो हम लोग होपफुली बिलीव कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जो है दिसंबर में हम लोग आप लोगों को बक्स कॉइन 2 एक्सचेंज में देंगे,
देन न्यू ईयर में हम लोग जो है ना फर्दर और एक्सचेंजेस में जाएंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। हम लोग को सप्लाई को बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि अगर देखिए सारा गेम सप्लाई का है, अगर लोगों ने डंप करना शुरू किया, एग्रेसिवली उसको जो है ना डालना शुरू किया, तो कॉइन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो परफॉर्म नहीं करता। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से लेके चलेंगे, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सही तरीके से कॉइन परफॉर्मेंस करे और इसकी प्राइस बढ़े, और ट्रेडर्स उसके अंदर, ट्रेडर कम्युनिटी उसको ज्वाइन करे, ताकि आपके जो है ना कॉइन, आपके ऑर्डर्स जो हैं वो उठें वहाँ से भी। साथ साथ हम लोग कैशफिनिक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और होपफुली एंड ऑफ नवंबर तक आपको कैशफिनिक्स से बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो लाइट कॉइन, इथीरियम, जितने भी हैं, सिर्फ टेथर को छोड़ के जितने क्रिप्टोज के अंदर हैं, आप सब में डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं, इट्स ऑल फंक्शनल। जितने लोग MT4 के अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, डायरेक्ट MT4 अकाउंट जो बेसिकली आपके लिए नहीं है, आउटर कम्युनिटी के लिए है, कि अगर कोई, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कहता नहीं मुझे नेटवर्किंग में नहीं आना, मुझे तो सिर्फ जो है ना वो डायरेक्टली करना है, तो वो यहाँ से आके खुद अकाउंट खोल सकता है, डायरेक्टली BTC डिपॉजिट कर सकता है, उसे कन्वर्ट करेगा MT4 डॉलर अकाउंट, डॉलर वॉलेट के अंदर कन्वर्जन देगा, और उसके बाद वो यहाँ से अपना डिपॉजिट करेगा, और डिपॉजिट करने के बाद वो MT4 अकाउंट खुद ही जो है ना यूज़ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है लाइव में और ट्रेड कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ऑलरेडी फंक्शनल है। बाकी हम लोग और चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, इसको और रिफाइन कर रहे हैं, चार्ट्स, मार्केट डेप्थ, पोजिशंस, प्राइसिंग, बाइनेंस के प्राइसिंग को इसके अंदर हम लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हम लोग काम कर रहे हैं इस बार। काफ़ी चीज़ें अंडर वे हैं इसको कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट कराने के लिए। अब कॉइन मार्केट कैप उतना ईजी नहीं रह गया जितना आज से दो तीन साल पहले था। अब उनके क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं, तो उनके क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, और उस हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं। कैश मिक्स में भी लिटिल बिट मोर टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग अभी भी अपना टारगेट 1st वीक ऑफ दिसंबर ही लेके चल रहे हैं कैश मिक्स के लिए भी। बट इवेंचुअली सबसे पहले जो मेन जो टास्क है वो है बक्स कॉइन को करना, फॉलोड बाय कैश मिक्स को लेके आना, क्योंकि कैश मिक्स को भी हम लोग इसलिए लेके आएंगे क्योंकि कैश मिक्स हमारा, हम लोग के लिए एक अच्छा बिजनेस जनरेट करने का मैकेनिज्म है, क्योंकि जब हम लोग की लिस्टिंग हो जाएगी कॉइन मार्केट कैप पे, तो फिर आपको जो है क्या कहते हैं, हम लोगों को वहाँ से बहुत से टोकन लिस्टिंग मिलेंगी, और चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाती है, टोकन लिस्टिंग शुरू हो जाती है, तो फिर आउटर कम्युनिटी भी आती है एक्सचेंज के ऊपर, तो इसको भी हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं। तो 2019 के अंदर, एंड ऑफ 2019, हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो यूटिलिटीज़ हैं इनको हम लोग पुश थ्रू करेंगे। मार्केटिंग कैंपेन होगा, जब CFX टोकन जाएगा लाइव, तो ऑब्वियसली उसके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट आउटर मार्केट में बढ़िया लेवल पे जो है ना मार्केट किए जाएंगे, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से आउटर कम्युनिटी को उसके ऊपर लेके आए। तो हमारी तरफ से तो ये सारी अपडेट थी, जो था मैंने आपको बता दिया है। मैं ये ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लिस्टिंग क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया ये भी है कि टेलीग्राम पेजेस जो हैं वो कैशफिनिक्स और बक्स कॉइन के जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया है, तो उसको हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। हमने मैसेज डाला था हम लोगों ने, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन कम्युनिटी भी उतनी उतने लेवल पे अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं किया। अब हम लोग को भी कुछ ना कुछ एफर्ट अपनी तरफ से लगाने हैं, राइट, क्योंकि हर काम हम नहीं कर सकते हैं ये यहाँ बैठ के। हम लोग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन तो आप लोगों को ही करना है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज्वाइन करें, अगर हम लोग 10,000 मेंबर बना के ले जाते हैं, तो चीज़ें और इजी हो जाती हैं हम लोग के लिस्टिंग के लिए, क्योंकि उनको उनको लगता है कि कम्युनिटी कितनी बड़ी है, और इस एक्सचेंज को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी। अगर हमारे एक्सचेंज पे, टेलीग्राम पेजेस पे 500 लोग होते हैं, क्योंकि वो बैकएंड तो नहीं देखते ना, वो क्या देखते हैं, वो सोशल मीडिया पेजेस देखते हैं, वो देखते हैं कि इनके सोशल मीडिया पेजेस पे कितने लोग हैं। तो अगर ज़्यादा कम्युनिटी हमारे, और हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है भी, माशाल्लाह 1.5 लाख लोग अगर साथ में हैं इस कम्युनिटी के अंदर में, अगर मैं तो सिर्फ 10,000 15,000 लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर इतने लोग भी हम लोग अचीव कर ले जाते हैं ज्वाइन कराना, तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई आपके सोशल मीडिया पेजेस पे देखता है, आज भी देखता है, तो शाहरुख खान के पास कितने फैंस हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसी तरीके से हम लोग का भी पेज में वही है कि जितने मैक्सिमम लोग उसको ज्वाइन करेंगे और जितने ज़्यादा लोग उस पर नजर आएंगे, लिस्टिंग उतनी ईजी होती जाती है ऑटोमेटिकली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग अपनी एंड से सारी मेहनत कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा है जो जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, आपके सामने मोयो प्लेटफॉर्म है, ये कोई इजी गेम नहीं है, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, इसके अंदर टेक्निकलिटी,
नॉलेज एक्सपीरियंस रिसर्च बहुत चीज़ें, बहुत लोगों की मेहनत है इस प्रोडक्ट के पीछे और ये इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना शानदार प्रोडक्ट निकल के आ रहा है कि इसमें जब आप लोग आके ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आई कैन बेट कि आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है बहुत। अब कॉइन जब एक्सचेंज पे जाएगा, जाहिर सी बात है र्यूमर्स इधर उधर लोग फैलाने में भी पीछे नहीं छोड़ते हैं, बहुत तमाम लोगों का काम ही यही होता है कि ना तो खुद खाते हैं ना दूसरे को खाने देते हैं, और जो लोग अनफॉर्चुनेटली छोड़ के चले जाते हैं या जो जिन जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे किसी ना किसी वजह से, वो कॉइन की जो है वो रेपुटेशन को डैमेज करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जैसे हम बार बार अपने सारे पूरे कॉन्वर्सेशन मैंने कहा, इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन, राइट? अगर हमारी कम्युनिटी के लोग हमारे अगेंस्ट बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके कॉइन की परफॉर्मेंस क्या होगा। आज एक भी आर्टिकल होता है बुरा, अच्छा अगर एक भी आर्टिकल कोई लिखता है कॉइन के अगेंस्ट में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? जब वो लिस्टिंग पे जाता है तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, राइट? तो ऐसे लोग जो जो आपके कॉइन के अगेंस्ट लिख रहे हैं, खासतौर से जब हम लोग लिस्टिंग पे खड़े हुए हैं, ये हम सबका इक्वल जो है ना वो राइट है कि हम लोग उसको डिफेंड करें और पूरे हद तक डिफेंड करें उन सारे सोशल मीडिया साइट्स को जहाँ पर ये लिखने की लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको तो कोई फायदा होना नहीं, वो तो चले गए, उन्होंने ए बी सी डी कॉइन में जाके ज्वाइन किया, वहाँ पे जो करना था वो किया, राइट? और वो इमेज हम लोग की भी डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, हम लोग ने तो नहीं छोड़ा ना, हम लोग तो काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट? और हम लोग तो पीछे नहीं हटे, आज भी अच्छे बुरे टाइम में सारे लोग, सारी टीमें खड़ी हुई, सारे लोग काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स को, ये तो अभी शुरुआत है, ये प्रोजेक्ट सारे सेट हो जाते हैं, चीज़ें मोमेंटम शुरू हो जाता है, तो और इसके बाद तो और भी यूटिलिटीज हम बनाएंगे, यहाँ थोड़ा रुक जाएंगे या बक्स कॉइन यहाँ थोड़ा रोक देंगे हम लोग। तो इस नेगेटिविटी से और ये जो मैसेजेस हैं ये इस टाइप के लिए, हम लोग सारे लोग मिलकर इसको काउंटर करें, ठीक है? क्योंकि लिस्टिंग तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, और हम लोग को चाहिए भी कि हम लोग लोगों को ये सब करने ना दें, नहीं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में भी, हम लोग के हाथ में भी नहीं है इवेंचुअली, अगर लोग लिख रहे हैं उधर उधर उल्टा सीधा और वो कहीं ना कहीं तरीके से उनके हाथ में लगता है, तो होता क्या है कि लिस्टिंग में बहुत इफेक्ट आता है, उनके पास होता है कोई ना कोई सब्जेक्ट, वो कहते हैं मैं तो सर्च किया था, ये तो बक्स कॉइन तो एक स्कैम है और फलाए और ढिंकाए, ऑल दो स्टफ पीपल राइट अबाउट एंड देन इट गिव्स अ मैसिव इंपैक्ट, राइट? अब वो सारे लोगों को तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो सारे हमारे जो है ना प्रोडक्ट्स आपको नजर ही आ रहा है कि हम लोग किस लेवल पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम अपने कंप्यूटर कॉइन को देख रहे हैं कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने जो ना इसके ऊपर बिलीव भी नहीं किया और वो जहाँ गए वहाँ पर भी फेल होकर आ गए, अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। तो इस चीज़ को प्लीज हम लोग के हाथ में ये सारी चीज़ें, हम लोग इसको जितना काउंटर करें उतना हमारे लिए अच्छा है, राइट? और पॉजिटिव नोट में सारे लोग जुड़े हैं, पॉजिटिव नोट में हम लोग काम करें सर, क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट से चीज़ें जो ना सॉर्ट आउट होती है, खाली ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं उन्होंने इससे फायदे नहीं उठाए, इन्वेस्टर ने नहीं उठाया, समझ में आता है लीडर्स ने इससे फ़ायदा उठाया, उन्होंने पैसे बनाए इस कंपनी से, इस कॉइन से, तो हम सब पर इक्वल फ़र्ज बनता है कि हम इस कॉइन को भी सक्सेसफुल करें, क्योंकि देखिए सबकी स्टेक पे है, अगर हम सारे लोग मेहनत करते हैं और ये कॉइन सक्सेसफुल होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, हैप्पी डेज, तो क्या किसी को बैठ के कुछ सोचना है? आई डोंट थिंक सो। हर प्रोडक्ट में आप मज़े उठा सकते हैं, हर प्रोडक्ट में आप जो है चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। बक सुपर स्टोर का मोबाइल ऐप भी ऑलमोस्ट हम लोग ने रेडी कर लिया है, तो हम लोग उसको भी लॉन्च कर रहे हैं बक सुपर स्टोर के, और आपको बहुत जल्दी जो ना वो भी नज़र आएगा। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने अपने से अचीव करी हैं, नया बक सुपर स्टोर के प्लेटफॉर्म बनाया है हम लोगों ने, उसमें और चीज़ें ऐड की हैं, साथ साथ हम लोगों ने जो ना ये वॉलेट्स को भी जोड़ा हुआ है, हम लोग बक सुपर स्टोर के ऊपर CFX टोकन को भी लेके आएंगे, ऑल्टरनेटिव पेमेंट गेटवेज बना रहे हैं ताकि हमारा कॉइन बक्स कॉइन भी हमारा टोकन दोनों चीज़ें परफॉर्म करें। सो मेरी तरफ से इतना अपडेट था भाई, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आसिफ भाई ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव वेबिनार किया सर आपने, इसको बस यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा 15 से 20 मिनट के लिए, देन हम साइन ऑफ करेंगे इस वेबिनार से। ओके, तो इससे आगे हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे लीडर्स हमें नए भी ज्वाइन किए हैं,
उनको उस तरीके से अभी बिजनेस मॉडल की समझ नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो आप सब लोगों को मालूम है, बिट्सो लाइव प्लेटफॉर्म है, जो कि एक एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से काम कर रहा है और इसकी तकरीबन 1,32,000 लोगों की कम्युनिटी है। और ये ज़्यादातर कम्युनिटी जो है ये बक्स कॉइन के हवाले से ही बनी। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर चार तरह की एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आपको ऑफर की जा रही है। तो क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से हैं, लीडर्स हैं, आम नेटवर्कर्स हैं, तो उन लोगों का ये इंटरेस्ट रहता है कि हम कंपनी के अंदर क्या इन्वेस्ट करते हैं और या अगर हम इसके ऊपर मार्केटिंग में काम करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो उसके हवाले से मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि आप बिट्सो लाइफ के अपने बैक ऑफिस में जाके शॉप में जाएं और आपको यहाँ पे चार तरह की एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो इसमें मिलेंगी एक ही ट्री के नीचे। तो ये पहला प्लेटफॉर्म है जो चार तरह की एफिलिएट मार्केटिंग ऑफर कर रहा है एक ही ट्री में, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे, एक ही टीम के साथ। तो इसमें पहले नंबर पे क्रिप्टो पैकेजेस हैं, ये हमारे बहुत ज़्यादा हिट पैकेजेस हैं और इनकी क्लोजिंग होने के लिए जा रही है दिसंबर एंड तक, क्योंकि जब बक्स कॉइन अभी 2 दिसंबर को लिस्ट हो रहा है आउटर एक्सचेंज में, तो फिर इसको बिट्सो लाइव के पैकेजेस को भी पूरी तरह से रीवैम्प करना है। तो फिर ये वाले जो पैकेजेस हैं ये टोटली माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। अगर कोई शख्स 50,000 यूरो का पैकेज बाय करता है इसमें, तो इसमें तकरीबन आपको 80,000 बक्स कॉइन मिलते हैं, क्योंकि इस वक्त करंट रेट 1.75 यूरो चल रहा है और इसमें 180% एक्स्ट्रा बक्स कॉइन आपको मिलते हैं। और ये जो 180 एक्स्ट्रा बोनस कॉइन है ये बेसिकली इनको मिला के और आपके अपने जो 100% बक्स कॉइन है, तो टोटल 280% जो बेनिफिट है उन सबको मिला के 600 दिनों का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो 600 दिनों के अंदर अंदर आपको ये बक्स कॉइन रिलीज होंगे। तो काफी सारे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने बक्स कॉइन के 10,000 यूरो वाले कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हुए हैं, 5,000 यूरो वाले कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हुए हैं, 50,000 यूरो वाले कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हुए हैं। तो उन्होंने बक्स कॉइन को इकट्ठा किया, जो भी उनके ट्रेडेबल बक्स कॉइन आ रहे हैं, और जैसे कि कंपनी बक्स कॉइन को लिस्ट भी कर रही है मार्केट कैप में, तो वो अपने बक्स कॉइन को धीरे धीरे से बेच सकते हैं जैसे जैसे कंपनी उनको अलाउ करेगी, क्योंकि आउटर मार्केट में आ रहा है। तो ये आपका बक्स कॉइन जो है वो अब ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि मोहसिन जमील साहब ने बात की कि सिर्फ बेचना काफी नहीं है बल्कि अच्छे तरीके से बेचना काफी है, तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा जो कमिंग ईयर है इसमें आपके बक्स कॉइन जो है वो जब बिकना शुरू होंगे और बहुत अच्छे तरीके से बिकना शुरू होंगे, क्योंकि इसकी बाइंग साइड क्रिएट हो चुकी हुई है, बिजनेसेस क्रिएट हो चुके हुए हैं जो इसकी डिमांड को खींच के लेकर के आएंगे बक्स कॉइन की। तो इसमें मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि इसकी डेडलाइन बहुत जल्दी आपको नोटिस मिल जाएगा, ये अनाउंस होने वाली है। मेरे ख्याल में मैक्सिमम ये दिसंबर तक चलेंगे ये पैकेज, तो इसका आप जरूर फायदा उठाइए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज का एडवांटेज, एक्स्ट्रा बोनस कॉइन्स का जो एडवांटेज है वो लास्ट ईयर अवेल किया था और वो लास्ट ईयर से अब तक वेट कर रहे हैं कि बक्स कॉइन ट्रेड हो, लेकिन आज के दिन में वो लोग जिन्होंने बक्स कॉइन में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो लोग इस वेबिनार पे मौजूद हैं, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी पैकेज बाय करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा बोनस कॉइन मिल रहा है बक्स कॉइन का, तो आपका 600 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो इस 600 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट में आप एक अच्छी इनकम इसमें से हासिल कर सकते हैं। ये सारे के सारे कॉइन जो है आपको 1.75 यूरो के हिसाब से और एक्स्ट्रा कॉइन के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। तो इसका रेट कल को 20 यूरो हो, 10 यूरो हो, 5 यूरो हो, 50 यूरो हो या 1 यूरो हो, तो आपको इसी रेट के ऊपर ये बक्स कॉइन रिलीज होते चले जाएंगे। इसी तरह ये डायमंड अकाउंट है, इसमें 10,000 यूरो में 80% एक्स्ट्रा बक्स कॉइन मिलते हैं। इसी तरह ये प्लैटिनम अकाउंट है 5,000 यूरो का, इसमें 60% एक्स्ट्रा बक्स कॉइन मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में प्लैटिनम अकाउंट, डायमंड अकाउंट एंड सुपर डायमंड अकाउंट इज बेस्ट अकाउंट। तो इसके अंदर आप मैक्सिमम अवेल करें जिन लोगों के पास बक्स कॉइन नहीं है इस अपॉर्चुनिटी को। उसके बाद ये माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएंगे, तो उसमें फिर डिपेंड करेगा कि बक्स कॉइन की माइनिंग कितनी आती है, तो वो डेली बेसिस पे आपको माइनिंग मिलेगी। तो वो पैकेजेस जो है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होंगे, ये रिवैम्प होंगे ये पैकेजेस। लेकिन बताने का मकसद ये है कि बिट्सो लाइव आपको क्रिप्टो पैकेजेस ऑफर कर रही है,
क्रिप्टो पैकेजेस के ऊपर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं बाइनरी के मार्केटिंग कंपनसेशन प्लान के साथ। तो इसका कंपनसेशन प्लान जो है, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है इस वेबिनार पे, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने खुद ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर आप इसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे पास पैकेजेस हैं क्रिप्टो एफएक्स पैकेजेस। इसमें दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे कि MT4 सुपर डायमंड की बात करें, तो MT4 सुपर डायमंड में आप 50,000 यूरो की जब पेमेंट करते हैं, तो 55,500 डॉलर जो है वो आपको मिल जाते हैं MT4 के अकाउंट के अंदर ट्रेड करने के लिए, जिसमें आप BTC या जो जो भी पेयर ट्रेड करना चाहते हैं वो आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मोहसिन जमील साहब आपको ट्रेड करके दिखा भी रहे थे MT4 के अकाउंट में। और इसके साथ ही साथ आपको क्रिप्टो भी इसमें मिल जाती है। तो ये बिटसो लाइव ने एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट जो है ऑफर करवाया है कि आपको क्रिप्टो एफएक्स पैकेजेस दे रही है। तो यानी कि आप अमाउंट एक पैकेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस अमाउंट से आपको क्रिप्टो भी मिल रही है और ट्रेडिंग भी मिल रही है, और आप दोनों अमाउंट्स को हेज करके ट्रेड करके इसमें अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो इसके हवाले से भी आपने अपने सीनियर से बात कर ली है, जो भी बंदा इंटरेस्टेड हो वो इसको सीख सकता है, समझ सकता है, और इसको फिर देन आप मार्केट भी कर सकते हैं। MT4 डायमंड अकाउंट है, इसमें 20% एक्स्ट्रा कॉइन कंपनी देती है आपको, और MT4 प्लेटिनम में 15% एक्स्ट्रा कॉइन देती है, और MT4 सुपर डायमंड में आपको 25% एक्स्ट्रा इसमें देती है। तो आपको ये क्रिप्टो एफएक्स पैकेजेस हैं, इसमें बक्स कॉइन्स भी मिलते हैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, और MT4 के अंदर भी लाइफ टाइम के लिए ये बैलेंस मिलता है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप लाइफ टाइम तक इससे ROI जनरेट कर सकते हैं, और फिर मोयो के साथ जो है और ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है आपके पास प्रॉफिट बनाने के लिए या उसकी एक अच्छी ROI जनरेट करने के लिए। और इसको मतलब इस सिस्टम को अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीखें, तो सिर्फ आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपने पैसे इस्तेमाल करके बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होती ज्यादा। वो कैसे, अगर फर्ज करें मैं आज के दिन में 50,000 यूरो का अकाउंट स्टार्ट करता हूँ, तो मैं क्या काम करूंगा, मुझे 55,500 डॉलर मिल गए। अगर मुझे खुद ट्रेड करना नहीं आता तो मैं अपने इसी सेम अकाउंट को मोयो ट्रेड के अंदर लिंक कर लूं, तो ये जो 55,500 डॉलर है मोयो से मुझे एक अच्छा ROI जनरेट करके देगा। प्लस ये 12 महीने के लिए मुझे बक्स कॉइन भी मिल गए, तो ये 12 महीने के लिए एवरी मंथ जो मुझे बक्स कॉइन मिलेंगे, तो डेफिनेटली जनवरी से मेरे बक्स कॉइन, दिसंबर से मेरे बक्स कॉइन बिकना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और यूजबिलिटी तो इसकी ऑलरेडी चल रही है पिछले 1 साल से बहुत सारे। अगर आप न्यू सेल्स के ऊपर काम करते हैं तो आपका बक्स कॉइन यूज भी हो जाता है। तो वो लोग जो नया स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस, इसके अंदर बिट्सो लाइफ के अंदर जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2 साल से कंपनी मार्केट में काम कर रही है, आप देख सकते हैं कि कितनी कंपनीज मार्केट में काम कर रही होंगी 2 साल में, और जो आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बेचने के लिए और बाय करने के लिए भी दे रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल के मार्केट के अंदर कोई एक कंपनी भी मौजूद हो जो क्रिप्टो एफएक्स पैकेजेस भी ऑफर कर रहे हो। क्रिप्टो पैकेजेस भी बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही हैं, और देन फिर एफएक्स जो है वो वैसे ही मार्केट के अंदर काम कर रही है, लेकिन एक ही पैकेज के अंदर क्रिप्टो एंड एफएक्स और एक ही ट्री के अंदर, और ये मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों के पास मौजूद है, और वो कम लोग जो है वो सिर्फ बिट्सो लाइफ के अंदर काम करते हैं, जिनकी तादाद पूरी दुनिया में 1,32,000 की है। देन आप आ जाइए क्रिप्टो प्रोडक्ट पैकेजेस में। तो क्रिप्टो प्रोडक्ट पैकेजेस में अभी हमारे पास 3 पैकेजेस मौजूद हैं, 200 यूरो, 500 यूरो, 5,000 यूरो। तो इसमें आप जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर भी आप प्रॉफिट कमाते हैं, और देन जो है आप इसके अंदर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बाय करते हैं वो आप प्रोडक्ट लेके भी इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 200 यूरो की एग्जांपल लूँ, तो इसमें कम्बो 1, कम्बो 2, कम्बो 3, कम्बो 4, ये सारी डिटेल आप बैक ऑफिस से ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंपनी ऑफर करती है आपको। तो एक तो इनकी डिटेल लें, और प्लस ये है कि आपको कंपनी 2 साल के लिए इसमें बक्स कॉइन भी देती है। तो अगर 200 यूरो का पैकेज है तो इसमें 100 यूरो के बक्स कॉइन भी मिल जाते हैं, अगर 500 यूरो का पैकेज है तो 250 यूरो के बक्स कॉइन मिल जाते हैं, और अगर 5,000 यूरो का पैकेज है तो इसमें 2,500 यूरो के पैकेज मिल जाते हैं। तो बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे चल रही है। तो प्रोडक्ट बेस में जो बिट्सो लाइव लेकर के आई है वो बेसिकली अल्कलाइन का और वेलनेस का कॉन्सेप्ट लेके आई है, और मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी काम कर रही है जो अल्कलाइन में
छोटी रेंज की प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, बड़ी रेंज की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं लेकिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो एज ए एफिलिएट मार्केटर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट भी बेचें, उनको क्रिप्टो भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी रिवॉर्ड के तौर पे बक्स कॉइन। और आप जरा इमेजिन करिए कि वो उस बंदे को अगर 2 साल में बक्स कॉइन का एक अच्छा रेट मिल जाता है तो वो दोबारा से अपनी प्रोडक्ट्स और ज्यादा बाय कर सकता है या अपनी अमाउंट रिटर्न कर सकता है। तो ये क्रिप्टो प्रोडक्ट पैकेजेस जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ बिटसो लाइव ही ऑफर कर रही है, सेम ट्री के नीचे सेम कंपनसेशन प्लान के साथ, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अच्छा, इसका हाँ अभी ट्रायल बेसिस पे कंपनी ने ये लिमिटेड पैकेजेस ऑफर किए हैं, टीपीपी पैकेजेस, मीनिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट पैकेजेस, जब तक के जो मोयो ट्रेड है वो फुली तौर पे तैयार होके इसमें ट्रायल एंड टेस्टेड और हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लोगों का पूरा ट्रस्ट जब तक बैठ ना जाए। तो तब तक कंपनी ने क्या काम किया, ट्रेडिंग प्रॉफिट पैकेजेस को ऑफर किया है। और इन ट्रेडिंग प्रॉफिट पैकेजेस से आप एक फिक्स रिटर्न कमा सकते हैं जो कि बड़ा थोड़ा है। तो 1,000 यूरो में आपको 5% पर मंथ मिलता है, टोटल जो आपको अमाउंट इसमें रिसीव होती है वो 190% अमाउंट रिसीव होती है, जो कैपिटल अमाउंट है वो आपको लास्ट 6 मंथ में मिलती है, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट आपका 18 मंथ का है, उसमें से फर्स्ट 12 मंथ सिर्फ आपको आरओआई मिलनी है और लास्ट 6 मंथ में आपको कैपिटल अमाउंट भी मिलनी है रिटर्न, और आपकी रिमेनिंग आरओआई भी मिलनी है। तो टोटल आप 190% इसमें कमा चुके होते हैं। 5,000 यूरो में सेम इसी मॉडल के तहत 7.5% पर मंथ कमा सकते हैं आप, जो कि 235% बनते हैं टोटल अमाउंट, जिसमें 100% आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है और 135% अमाउंट आपकी आरओए की अमाउंट है जो कंपनी ट्रेड करके आपको कमा के दे रही है। देन टीपीपी डायमंड अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसमें 280% है। देन सुपर डायमंड की बात करें तो इसमें भी 280% है, प्लस इसमें आपको कंपनी लीडरशिप प्रोग्राम में ले आती है, जो 50,000 यूरो के पैकेज लोग बाय करते हैं। लीडरशिप प्रोग्राम में आपको कंपनी रेजिडेंस वीजा देती है अपनी दुबई की कंपनी का, और उसमें आपको एक अच्छा स्टेटस मिलता है और डेफिनेटली आपका जो भी उसका एक्सपोजर है आप उसका एंजॉय कर सकते हैं, और आरओआई आपकी जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है एवरी मंथ। तो ये 4 तरह के पैकेजेस हैं कंपनी के अंदर। आप इसको खुद बाय भी कर सकते हैं, खुद अवेल भी कर सकते हैं, और देन इसके हवाले से एक अच्छी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो आप अगर इस पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैक्सिमम लोग इसमें से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको मोयो ट्रेड के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो बिट्सो लाइफ के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और फिर उसके थ्रू मोयो ट्रेड में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर आप एक अच्छे मार्केटर हैं तो आपको मार्केटिंग करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो बिट्सो लाइफ के प्लेटफॉर्म में मिल रही है, और देन फिर मोयो ट्रेड का जब मार्केटिंग सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इसमें जो बिजनेस लेकर के आते हैं या जो मार्केटिंग करके रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं तो उसमें आपको क्या मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया है वेबिनार को, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा आपके लिए। मैं फिर से आखिरी 5 मिनट में एक बात करना चाहूँगा आप लोगों से जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप डैशबोर्ड में जाके देखेंगे तो यहाँ पे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं, ऑफिशियल पेजेस हैं जो कंपनी के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पेजेस, अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कुछ लोग अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा मेंटेन नहीं कर रहे। तो जो बक्स कॉइन की कम्युनिटी है या जो बिट्सो लाइव की कम्युनिटी है उसको तरह तरह की कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो ये क्योंकि कंपनी के लाइव पेजेस हैं, ऑफिशियल पेजेस हैं, तो इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ऑफिशियल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। तो मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, और आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि अपनी टीमों को भी इसको ज्वाइन करवाएं। जो लोग कहते हैं कि कंपनी हमें कोई अपडेट ही नहीं देती, हमें तो बक्स कॉइन का पता ही नहीं चलता, हमें इससे रिलेटेड बिजनेसेस का कभी कुछ पता नहीं चलता, तो ये बहाना जो है आप उनका खत्म कर सकते हैं इस तरीके से कि आप उनको इन पेजेस को ज्वाइन करवाएं और डेली बेसिस पे आप एक मर्तबा उसको देख लें जो भी अपडेट कंपनी ने उसमें शेयर की है, वीकली बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। तो आप एटलीस्ट एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और अपनी टीम को भी राइट प्लेटफॉर्म पे ले आएं,
ताकि सबको कंपनी की तरफ से राइट इंफॉर्मेशन और राइट अपडेट मिलती रहे साथ साथ जो भी कंपनी इसमें कर रही है। तो ये तो एक तो ये आपने सब लोगों ने ज्वाइन करना है। दूसरा मैं एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ सब लोगों को कि देखिए जो इस वक्त बिजनेस मॉडल की सिचुएशन चल रही है, कंपनी ये डिसाइड कर चुकी हुई है कि इसमें कंपनी के साथ कोई चले या कंपनी के साथ ना चले, कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें कंपनी मार्केट कैप में जा रही है तो यहाँ पे कोई हमारा ट्रेड वॉल्यूम या हमारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं पड़ी हुई, लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ पे 120 बिलियन डॉलर का डेली ट्रेड वॉल्यूम आता है। तो इस मार्केट को कैप्चर करने की अपनी एक टेक्निक है और अपना एक तरीकेकार है जो कि कंपनी अपने तौर पे कर भी रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2020 में किस तरीके से बक्स कॉइन की रैंकिंग जो है वो आती है इसमें। तो ये सारी चीजें बताने से नहीं होंगी, ये आपको जब नजर आएंगी होती हुई तो देन आप खुद जो है अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक तो कंपनी ऐसी मार्केट्स में बक्स कॉइन को लेकर के जा रही है, और जब जहां जहां तक बक्स कॉइन जाएगा तो डेफिनेटली मोयो ट्रेड और इससे जुड़े हुए सारे बिजनेसेस जो है उनकी भी पजीराई होगी, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म जो है ये कॉइन मार्केट कैप के लिए भी बनाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ दो तरह की ट्रेडिंग होती है, वन इज क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड अदर इज क्रिप्टो एक्सचेंज। लेकिन ये बहुत एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और इसमें फिर फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अगर आप खुद ट्रेड नहीं कर सकते तो आपको इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिल जाते हैं, तो ये ज्यादा आसान और बेहतरीन तरीका है ट्रेड करने का। तो ये जो यहाँ पे क्रिप्टोज नजर आ रही हैं आपको, इन क्रिप्टोज को कहीं ना कहीं आप बक्स कॉइन के थ्रू यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। डिपेंड करता है कि कितनी सक्सेस मिलती है मार्केट में, नंबर वन। दूसरे नंबर पे बक्स कॉइन को लिस्ट करने के साथ साथ कंपनी एक बहुत बड़ा इवेंट करने के लिए जा रही है, और उस इवेंट का नाम है 48 फ्लैग सरमनी। तो अगर हम यहाँ पे गूगल में सर्च करें 48 फ्लैग यूई 48 फ्लैग सरमनी, तो आपको यहाँ पे ये लिंक मिलेगा 48flags.com। इसके ऊपर ये सारी डिटेल्स और अपडेट्स मौजूद हैं। ये इवेंट जो रखा गया ये एक्चुअली एक्सपो है। ये रखा इसलिए गया कि क्योंकि 48 नेशनल डे आ रहा है यूएई का, तो उसकी मुनासबत से इसका नाम रखा गया है। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 48 कंट्रीज से राइट उसके एम्बेसिडर्स, उस वहाँ का मीडिया एंड देन वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड देन वहाँ की कंपनीज और वहाँ के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस 48 फ्लैग में। तो इस 48 फ्लैग में अगर आप इसके अंदर जाएंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनर में देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर में हमारी हम सब की कंपनी मौजूद है, बक सुपर स्टोर जो कि बक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो हम इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर में आते हैं। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज मौजूद हैं, तो इस रीजन की सबसे बड़ी कंपनीज इसमें मौजूद हैं। अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर इसका ऑफिशियल पार्टनर है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म यूई का जो है उससे परमिशन लेकर के ये सारा काम हो रहा है यहाँ पे। स्मार्ट इनोवेशंस और क्रीम और पैटसन और ये सारी कंपनीज आप इसमें देख सकते हैं, तो वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बक्स सुपर स्टोर के लोग भी इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अगर आप इसमें मीट 48 फ्लैग टीम में जाएंगे तो इसके अंदर हम लोगों का भी नाम उन्होंने शामिल किया है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम करके, क्योंकि ये इसका एक्सपोजर बहुत बड़ा है। तो इसमें यहाँ पे गणेश सागर साहब मौजूद हैं जो कि बोर्ड मेंबर हैं इस 48 फ्लैग की टीम के। ये प्रोजेक्ट वो लेकर के आए थे इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बक्स सुपर स्टोर में। एंड देन यहाँ पे आप भावेश का नाम देख सकते हैं जो कि हमारे यूएस से लीडर हैं। ये मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एडवाइजर। शक्कत मियाँ साहब यहाँ पे आ रहे हैं एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर, और राकेश सैनी साहब भी इसमें मौजूद हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एडवाइजर इन इंडिया। तो ये सारे हमारे लीडर्स हैं जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे जो इसकी अपडेट्स अक्सर मेरे सोशल मीडिया पे भी और काफ़ी सारी जगहों पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो
पाकिस्तान से बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन आ रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंट्रीब्यूशन आ रही है और हम इसको लेकर के एक्साइटेड भी हैं। इसमें फेडरल मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे जो है MPAs, MNAs, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मीडिया आ रहा है इसमें। स्पेशली जो चांस है वो ये है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप जैसे मोहसिन साहब ने बात की कि हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अपनी कारकर्दगी दिखा के इसमें ज़रूर आए, लेकिन ये एक आउटर इवेंट है। ये 47 भी हुआ था जब वक्स कॉइन इसका स्पॉन्सर नहीं था या इसका मार्केटिंग या स्ट्रेटजिक पार्टनर नहीं था, तो ये होता है और इसने नेक्स्ट ईयर भी होना है। तो जो 48 फ्लैग है इसके अंदर अराउंड जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो सैकड़ों कंपनीज इसमें जो आएंगी और प्लस इसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग आएंगे जो कि 48 कंट्रीज से होंगे। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो इस इवेंट की ज़्यादा ब्यूटी है, वो ये है कि हमें एज ए कंपनी अगर किसी मुल्क में जाना है और वहाँ पे काम करना है तो हमें किन किन लोगों से बात करनी होती है, वहाँ की एम्बेसी से बात करनी होती है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी से बात करनी होती है अपने प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करने के लिए, वहाँ की कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर करने होते हैं जो उसकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वहाँ पे बेच रही होती हैं, तो देन आपकी उस कंट्री में लॉन्चिंग होती है और वहाँ के मीडिया के अंदर जाके आपने मार्केटिंग करनी होती है सब। तो ये सारी चीज़ें हमें 48 कंट्रीज से एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे मिल रही हैं। तो अगर हम 48 कंट्रीज में जाएँ वन बाय वन तो हमें वैसे ही 4 साल लग जाएँ, तो हमें एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। तो आप ये देखेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पे बक्स कॉइन के हवाले से या जो बक्स कॉइन के अराउंड जो बिजनेसेस हैं उसके हवाले से बड़े बड़े ब्रेक थ्रू भी इसमें से आ सकते हैं इस इवेंट के अंदर। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यही है कि बक्स कॉइन इस इवेंट पे 2 दिसंबर को ये हो रहा है, 2, 3, 4 दिसंबर तक ये एक्सपो हो रहा है, तो इसी डेट्स के दौरान जो है बक्स कॉइन मार्केट कैप में आ चुका होगा। वो एक प्रमोशन दी हुई है वो लोग जो TPP पैकेजेस पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप 100% अमाउंट यूज़ करके कैश यूरो की 1,000 यूरो के 2 पैकेज या डायरेक्ट अपने खुद लगाते हैं या किसी को सेल्स करते हैं, तो आप इसमें 3 दिन का वीज़ा और जो है 3 दिन का टिकट और 3 दिन का जो है यहाँ पे होटल स्टे ले सकते हैं कंपनी से। अगर आप खुद अपने खर्चे पे आना चाहें तो बिल्कुल आप इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिस लेवल पे हम आपको पार्टिसिपेट करवा सके वो हम करवाएंगे, लेकिन ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वीज़े की, अपने टिकट्स की, अपने रेजिडेंस की। आप आना चाहें मोस्ट वेलकम, आप नहीं आना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन पेजेस पे आ जाएं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपडेट्स मिलेंगी। हम वेबिनार करते रहेंगे, इस महीने काफ़ी ज़्यादा वेबिनार करेंगे हम, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट वेबिनार इंग्लिश में भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे अफ्रीका से हैं, दूसरे कंट्री से हैं जो कि उर्दू और हिंदी को नहीं समझते। तो सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बक्स कॉइन को, बिट्सो लाइव को सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर करिए चीज़ें, अपने जो है वीडियोज़ बनाइए इसके हवाले से, अपनी टीम में वेबिनार्स करें, मेहनत करें, अपने घर बैठे, कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगी आपकी अगर आप घर बैठे वेबिनार करें, और हर अपनी टीम के मेंबर को जो जानना चाहता है कि बक्स कॉइन की क्या अपडेट है तो उसके साथ आप शेयर करें, और अगर आप ये वाला वेबिनार किसी से शेयर करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपकी, तो आप ये वेबिनार भी किसी को भेज सकते हैं अपनी टीम में जो आपसे बक्स कॉइन की अपडेट लेना चाहता है। और इन पेजेस को 100% सब लोगों को ज्वाइन करवाएं ताकि किसी से भी हम ये शिकायत ना सुने कि हमें बक्स कॉइन की अपडेट नहीं मिलती। कहीं ना कहीं ये शिकायत आपकी ही हो रही होती है, तो हमें क्या करना है कि मिलके इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है। हम इसमें लगे हुए हैं, आप देख लीजिए पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, बहुत सारे लोग वापस आ गए, हम उनको भी वेलकम कहते हैं जो लोग चले गए, हम उनको भी वेलकम कहेंगे जो लोग वापस आ जाएंगे। जो जो इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है, हमारा किसी से कोई जाती पर्सनल झगड़ा किसी से किसी का नहीं है, हम चाहते हैं कि सारे लोगों ने इस बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से किया, किसी ने एज ए मार्केटर किया, किसी ने एज ए इन्वेस्टर किया, किसी ने एज ए बिग प्रमोटर किया, जैसे जैसे अंदाज में भी आप इसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं बक्स कॉइन को, तो वो आप इसमें कर सकते हैं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पर्पज सब लोगों का एक है, मेरा भी, मोहसिन जमील साहब का भी, गणेश साहब का भी, सब लोगों का, आप लोगों का भी पर्पज एक है कि बक्स कॉइन सक्सेसफुल हो, बक्स कॉइन की कम्युनिटी सक्सेसफुल हो।
आप लोगों के पास भी बक्स कॉइन मौजूद हैं, मेरे पास भी बक्स कॉइन मौजूद हैं, और कंपनी भी बक्स कॉइन के ऊपर ही काम कर रही है। और ये जितनी भी यूटिलिटीज आ रही हैं और ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज कंपनी ने बनाई हैं, ये सारी के सारे जो इन एंड आउट है इसके, वो 100% पेमेंट गेट पे बक्स कॉइन होगा। इसकी लास्ट अपडेट ये है कि कंपनी बिटसो लाइफ को भी रीवैम्प करेगी आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ आउटर मार्केट। तो उसकी रीवैम्प में एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये कि ये जितने भी पैकेज आपने बाय करने हैं, तो डेफिनेटली आउटर एक्सचेंज से जो बंदा बक्स कॉइन बाय, जिसने पेमेंट करनी होगी, वो बक्स कॉइन बाय करके लाया करेगा और अपने नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अपनी टीमों में लगा पाएगा, या किसी ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसमें भी इन एंड आउट जो है बिट्सो लाइफ के अंदर हो सकता है बक्स कॉइन को कंपनी बना दे। तो ये वो सारी चीजें हैं। 2020 का पूरा साल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत सारी चीजें आपको बड़े बड़े ब्रेक थ्रू सुनने को मिलेंगे, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप का सबसे बड़ा कॉइन जो है वो बिट कॉइन है। अगर 250 अरब डॉलर का टोटल मार्केट कैप है, तो आप यहाँ पे देखिए कि 170 अरब डॉलर का तकरीबन अकेला बिट कॉइन है। तो बिट कॉइन अगर इस पूरी कॉइन मार्केट कैप का सबसे बड़ा कॉइन है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 26 मई 2020 को इसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है 4 साल के बाद। तो इसकी ब्लॉकचेन अपग्रेड हो रही है, और उसके बाद जो है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है, ये जितना भी इसमें क्राइसिस आया, ये दोबारा से अगले 1.5 से 2 साल के लिए पॉजिटिव वेव में चलना शुरू हो जाएगी। प्लस ये है कि ग्राउंड्स पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं यूएई के अंदर। आप लोगों को मालूम है कि नेक्स्ट ईयर एक्सपो हो रहा है, और एक्सपो के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पे दुबई में 6 मिलियन लोग आएंगे पूरी दुनिया से, जिन्होंने प्रोडक्ट बाय करनी है वो भी आएंगे, जिन्होंने प्रोडक्ट्स बेचनी है वो भी आएंगे, जिन लोगों ने वैसे ही विजिट करना है वो भी आएंगे। तो 6 मिलियन लोगों का अराइवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूएई के अंदर। तो हमारी दोनों चीज़ों पे नज़र है, और हम बक्स कॉइन के थ्रू और अपने डिफरेंट बिजनेस मॉडल के थ्रू जो है वो मार्केट में एंटर कर रहे हैं 2020 के शुरू में ही। तो इनशाला हम इसमें अपना शेयर उठाएंगे मार्केट में से एक अच्छे तरीके से काम करके, और जो भी इसकी राइड उठाना चाहते हैं वो हम इसमें से इनशाला लेंगे। तो आज के दिन के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों ने सुना। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उसकी बैनर और लिंक आप लोगों को मौजूद मिल जाएगा डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू। लेकिन फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बक्स कॉइन के ऑफिशियल पेजेस हैं, जो मोयो ट्रेड के ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर टेलीग्राम के जो पेजेस हैं उसके ऊपर सब लोगों को जरूर लेके आए। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूएई।